बाप रे, 4 फुट यारी कुछ नहीं है, सब लोअर का कमाल है यार। आराम से कमरे में कैसे भी घूम सकते हैं। बाहर जब जाता हूँ तो मैं भी प्रॉपर इधर टी शर्ट पहनने का, टी शर्ट के टी शर्ट उसके ऊपर अगर समझ में आता स्वेटर और जैकेट तो कंपल्सरी है, टोपा सब चीज एकदम फुली कवर्ड होके अंदर कैसे भी रह सकते हो। चलो भाई, कहाँ तक कर गए थे? हम लोग टाइमर बहुत पढ़ रहे थे, आई थिंक हम लोगों ने सेकंड स्पीड में काम करना शुरू किया था, और इसमें हम लोग कहाँ तक कर गए थे ये हमें बस पता करना। ओके, तो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका था? आई थिंक शायद 10 तक किया था, 15 तक किया था, मुझे नहीं पता, टाइम नहीं लेते इसमें इतना। जाते ही पे भी बता नहीं तो बैक साइड शुरू कर दूंगा। फर्स्ट क्लास है आपका, चल रोज से बात रहते हैं बस क्लास जुड़ वाले लोग भाग ना जुड़ बोले तो यार तो मैं 15 से शुरू कर रहा हूं, तो मैं 16 से शुरू करूं तो मैं बता नहीं रहा हूं। अच्छा 15 हो चुका था ना, वही मुझे पता ही, 15 तक करनी होगा आज की 16 पे। फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, आप तो कर जाओगे ना ये सब। बी की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है जबकि सी बी की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। यदि ए और बी मिलकर 12 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कर सकते हो? क्योंकि ये अच्छे लेवल का सवाल है, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा हलवा है, बट जिस तरीके से आपको सिखाया गया उस तरीके से मुझे लगता है कि अभी सवाल कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो ए बी की तुलना में 40% ज्यादा कार्यकुशल है, तो अगर बी 100 तो ए 140 जो है वो 20 से 40% ज्यादा एक्सपर्ट है, तो अगर 200 है तो 140, तो रेशियो क्या हो जाएगा? आपको सर रेशियो आ जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें रेशियो क्या आ जाएगा, तो आपको सर रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5, ठीक है? अगर बी 5 मिनट काम कर रहा है तो ए 7 मिनट काम कर रहा है। अच्छा आगे चलेगा, जबकि सी जो है वो बी की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, सी बी से 20% कम है, तो अगर बी 100 है तो सी 80, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? सर बी रेशियो सी आ जाएगा 5:4। अब चूंकि यहां पर जो बी की वैल्यू है वो दोनों जगह पर 5 और 5 है, तो इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर बी की वैल्यू दोनों जगह पर अलग अलग होती तो इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर लेते, क्लियर है? तो अगर मैं यहां से आपसे ओवरऑल रेशियो की बात करूं तो आपको सर ओवरऑल रेशियो यहां से सिंपली आ जाएगा 7:5:4, या अगेन की एफिशिएंसी का लेवल रेशियो। अब इन्होंने क्या बताया कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, भाई ए और बी कितना काम कर रहे हैं? बोले सर ए और बी 7 और 5 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए और बी को एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी कितना है? बोले सर 12। अच्छा ये एफिशिएंसी का रेशियो है, यहां पर ए प्लस बी है और दूसरी साइड पर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? बोले सर बी प्लस सी कर रहे हैं 5 4 9 यूनिट काम, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 12 9 मतलब 4 और 3 का रेशियो है, तो वर्किंग डेज का रेशियो कितना हो जाएगा? सर 3 और 4 का हो जाएगा। तो अगर बच्चा 3 बराबर है 12 दिन तो 4 बराबर 16 दिन, बहुत बहुत डिफिकल्ट सवाल, कंप्लीट, कोई परेशानी दिक्कत समस्या कुछ भी कंप्लीट है। दूसरा इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि जब ए और बी मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, फिर ये लोग मिलकर इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, ये लोग मिलकर इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं और एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना? 144 यूनिट। अच्छा 144 यूनिट पूरा काम हो गया। अब यहां पर बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 144 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 144 बटे 9, तब भी आंसर तो लगे उस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बात क्लियर हुआ? अच्छा शेखर तुम्हारा आंसर 9 क्यों है भैया? ये 9 क्लास वाली चीज गलत है मेरे भाई। अच्छा शेखर 2 है यहाँ पे, अंदर यार, चलो ठीक है अच्छी बात है, दोनों के दोनों शेखर का नाम लिस्ट में चाहिए है ना, डीजल वाली तो लिस्ट में दोनों के नाम चाहिए, एक से भी गुजारा नहीं होगा मेरा, मैं थोड़ा इस मामले में आप ही टाइप का आदमी हूँ, जितना ज्यादा कम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राहुल और आयुष टुगेदर किसी काम का लिखा है, एक काम को वीर के आधे समय पूरा कर लेता है, वीर को जो भी टाइम मिलता है, अगर वीर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो राहुल और आयुष 5 दिन में काम कर रहे हैं, इस लाइन से मतलब क्या है? इस लाइन से मतलब क्या? ये लाइन उन्होंने बोली कि राहुल और आयुष मिलकर किसी काम को वीर से आधे समय में पूरा कर लेते हैं, अगर आधे समय पूरा कर रहे हैं इसका मतलब एफिशिएंसी डबल, अगर वीर की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो राहुल और आयुष की दोनों की मिलकर जो एफिशिएंसी बनेगी वो 2 यूनिट बनेगी, पॉइंट क्लियर या सुनो, एक बात का मतलब निकला कि अगर वीर की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो राहुल और आयुष की मिलकर एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी। अब इसमें हो सकता है कि राहुल की एफिशिएंसी आधा हो और आयुष की एफिशिएंसी 1.5 हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट दोनों का टोटल 2 होगा, पॉइंट क्लियर? अभी लेंगे, जबकि आयुष और वीर मिलकर राहुल के 1/3 समय में उस काम को पूरा कर लेते हैं, तो राहुल की अगर एफिशिएंसी 1 है तो इन दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 3 हो जाएगी, बात क्लियर? ठीक है, अच्छा आगे लिखा है, यदि वे एक साथ काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मिलकर अगर 30 दिनों पूरा कर रहे हैं तो राहुल अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है? चलो अब इसको देखते हैं, अब इन्होंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि राहुल और आयुष एक साइड पे और वीर, इनका रेशियो आपको दे रखा है 2:1, पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा दूसरी लाइन में आपसे क्या बोला कि आयुष और वीर एक साइड पे कर दो और दूसरी साइड पे ना राहुल से 1/3 टाइम पे, मतलब 3 गुना काम कर रहे हो, तो अब एफिशिएंसी आ जाएगी 3:1। अब क्या करना चाहिए अगला स्टेप बताओ भाई, नहीं पता मुझे समझ नहीं आ रहा, अब यहां से आगे क्या करना चाहिए इसके बाद का रास्ता बताओ, यहां तक तो हमने पहली दोनों लाइन को यूज करके निकाल लिया, इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन को यूज कर नहीं सकते सवाल, अब खेलना यहां पे क्या करना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए, कोई स्टेप बताएगा, आंसर बता लो पहले, ए आएगा तो बताओ मैंने क्या करना चाहिए। ओके आपका 2020 में 12 कंप्लीट हुआ, आपने पेपर दिया 2020 में पेपर हुआ, मतलब कोरोना से तुमको कोई फायदा नहीं। ओके क्या करना चाहिए, देखो यहां पर राहुल है, राहुल की एफिशिएंसी आयुष है और वीर है, तीनों की एफिशिएंसी अगर टोटल करते तो यहां पे हो रहा 3, और वही 3 बंदे अगर यहां पर टोटल करते तो यहां टोटल हो रहा 4, कैसे पॉसिबल है भाई? यहां पर यही तीनों बंदे हैं तब इनकी एफिशिएंसी टोटल 3 हो रही है, और नीचे यही तीनों बंदे हैं एफिशिएंसी टोटल करके 4 हो रही है, क्लियर? बराबर एफिशिएंसी तीनों का टोटल तो सेम होगा भाई, क्लियर? यानी तो सेम कैसे करें, और सर मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करो 3 है 3 है और 4 है, ऐसे हो गया 12, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, और इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3,
अभी हो चुका 12 और ये सारी चीजें रेशियो में आप लोगों ने सीखी हुई है। तो अगर यहां से अगर हम बात करें आपसे तो वीर की एफिशिएंसी कितना, बोले सर 4, राहुल की एफिशिएंसी 3, अगर राहुल और आयुष मिलकर 8 है, राहुल अगर 3 है तो आयुष कितना 5, और बात देखो आयुष और वीर 5-4-9 रहे, तो की एफिशिएंसी निकाल ली हमने, कंप्लीट है। अब अपने काम पे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला आपसे कि तीनों मिलकर 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 4-3-7-5 12 यूनिट, अगर 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा, बोले सर 30 दिन लगाए तो 12 की 36 टोटल काम हो गया 360 यूनिट। अब ये 360 यूनिट करवाना किससे, अब ये 360 यूनिट काम करवाना है अकेले राहुल से, मतलब इसे टाइम लगेगा डिवाइड बाई 3, आंसर 120 दिन, कौन सा ऑप्शन 3। दूसरा तरीका, तीनों की एफिशिएंसी बोले सर 12, राहुल की एफिशिएंसी 3, रेशियो आ गया आपका 4:1, तो वर्किंग डेज का रेशियो 1:4, अब अगर 1 बराबर अगर 30 के है तो 4 = 120 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट सेम करना, एक्जैक्टली बिल्कुल सही है, ऊपर 3 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई, भाई काम हमें पता है क्या करना है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 3 से, इसको बोलते क्या है, उसे डिसाइड कर लो अपने साथ, ऐसा कुछ सर, बस यही चीज है, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया, ऐसे कर लो या फिर यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, तब भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी पैटर्न से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, तब पढ़ा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैं इतना कुछ हाई फाई भी नहीं चलता हूं, तब पढ़ोगे तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, अगर कोई ज्यादा इशू है तो फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सिलेबस या अपने कॉन्सेप्ट को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने हमेशा क्या चीज आपको सिखाया कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है करने के लिए वो बस सारी चीजें करो, मैथमेटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे छोड़ो, मैं सिर्फ एक बैच पढ़ाता हूं, एक दो बैच मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता, बट जो पढ़ाता हूं वहां पर किस तरीके से क्लासेस चल रही है आप लोग इतने देर में देख चुके हो, चाहे वो नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, ये चीज आपको इतने देर में समझ में आ गया होगा कि यहां पर पढ़ाई का कैसा बैलेंस लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल नोट मत लो कि सर हम लेट आए हम जल्दी, नो इशू, आप बस मेहनत करो सारी चीजें देखेंगे। अगला सवाल, नेहा जो ऋतु से 50% ज्यादा कार्यकुशल है, अब ऋतु से अगर 50% ज्यादा कार्यकुशल है नेहा, तो अगर ऋतु को हमने ले लिया यहां से 100, तो नेहा 50% ज्यादा मतलब 150 हो जाएगी, बोलो हायर, चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो नेहा ऋतु से 50% ज्यादा कार्यकुशल, तो रेशियो हो गया 3:2, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्या बोला इन्होंने, जो एक काम को करने के लिए प्रिया से दुगना टाइम लेती है, अगर ये प्रिया से दुगना टाइम ले रही है कौन, ये जो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, पहले ये बता दो, ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना जो, भाई ये रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी आता है, ये जो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, अभी दो लड़कियां आपके पास में नेहा और रितु, ये वाला जो लिखा है मतलब ये आगे वाली जो लाइन है ये बोली किसके लिए जा रही है, नाम रीजन के साथ में चाहिए, हमें पता है आंसर दो ही है, या तो आंसर में नेहा आएगा या रितु आएगा, रीजन के साथ नाम चाहिए, तो कर लीजिए मुझे, है ना भाई, यहां पे तो कचरा लोग एग्जाम में करोगे, तो रीजन पता होना चाहिए क्यों भाई क्वेश्चन, है ना, तो ये जो के बाद में जो लाइन लिखी गई है लिखी है किसके लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, नेहा के लिए, कब का समझ नहीं आया, अच्छा एक आया रितु, अच्छा मतलब कंपटीशन है ना, बहुमत में भी नहीं है बट कंपटीशन है, मैंने पूछा रीजन भी चाहिए, किसी ने रीजन दिया नहीं दिया, चाहिए रीजन, टाइम लगा टाइप करने में लो टाइम चलेगा हमें, लेकिन रीजन चाहिए हमें, ये देखो 3 नेहा 3 रितु, काटे ही टक्कर भाई, अब ये क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत ज्यादा आता है, ये जो लाइन जो वर्ड है ना ये वर्ड रीजनिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये चीज सीखो, जमीन है, हाँ ये चीज सही है तुम्हारा, जब भी करना है इस लाइन को पढ़ के मतलब निकालने की कोशिश करो, नेहा के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, नेहा जो ऋतु से 50% है, जो मतलब तेरी ऋतु की बात करो, इसको हमने सीखा कैसे था, जैसे इस तरीके से सपोज करो ए लिखा है और बी लिखा है और आगे कुछ लंबी सी लाइन लिखी है, उसके बाद ये वर्ड लिखा हुआ है जो जिसे जिसने इस तरीके से कुछ भी वर्ड लिखे हुए उसके बाद फिर आगे लाइन लिखी हुई है इस तरीके से, तो हमें क्या करना होता है उसके बाद में कि ये जो लिखा है इससे हम लोग चलना शुरू करते हैं, जो भी सबसे पहले मिल गया ये आगे वाला पूरा स्टेटमेंट इस बंदे के लिए होता है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़, अब हमें क्या करना है, अगर हम अपने सवाल पे जाते हैं तो ये लिखा है पूरा आगे का स्टेटमेंट है, पूरा जो लिखा है हमने इधर से रिवर्स दिया हमारा, कौन मिल रहा है सबसे पहले, बोले सर ऋतु मिल गया, ऋतु मिल गया मतलब ये आगे वाला जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ऋतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं समझ में आई सभी को, यस और नो, क्लियर ना, क्या करना है जहां पर जो लिखा है उससे आगे वाली जो लाइन जो भी लाइन है वो लाइन किसके लिए होगी, बस यहां से सर पीछे चलना शुरू कर देंगे, सबसे पहले ऋतु मिल गया मतलब ये पूरी लाइन ऋतु के लिए थी, कौन सी जो के बाद वाली, बात क्लियर सभी को, नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऐसी लाइन यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये चीज यूज करके आगे कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, तो अगर अगली बार ऐसा कभी भी सवाल आया तो मुझे नेहा और ऋतु के बीच में वोटिंग ना करानी पड़े, सभी को यस और नो, ओके, तो इन्होंने बोला कि नेहा जो है ऋतु तो है, ऋतु एक काम को पूरा करने में प्रिया से दोगुना टाइम ले रही है, अगर प्रिया से दोगुना टाइम ले रही है ऋतु तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी प्रिया से आधी, क्लियर ना, जबकि ऋतु की एफिशिएंसी तो 2 है, इसका मतलब प्रिया की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, यस और नो, प्रिया की एफिशिएंसी 4 तो ऋतु की एफिशिएंसी आधी होगी, तो टाइम दोगुना लगेगा, वही क्लियर भाई, सभी की एफिशिएंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है, अच्छा कंफ्यूज ज्यादा होते, अब नहीं होगा कंफ्यूजन, क्लियर पॉइंट सभी को, अब हम लोगों ने यहां तक का सारा काम कंप्लीट कर लिया, अब अपने मुद्दे पे चलते हैं, अब आगे उन्होंने क्या बोला, यहां तक सभी क्लियर हो गया एफिशिएंसी वाले तक, कि भाई नेहा की एफिशिएंसी ऋतु से 50% ज्यादा होती है और दो क्या, अच्छा प्रिया से ऋतु दोगुना टाइम ले रही तो ऋतु की एफिशिएंसी आधी होगी, प्रिया से आधी 2 और 4 होगी, सारी चीजें कंप्लीट यहां तक, ये एफिशिएंसी का काम कंप्लीट, नेहा की एफिशिएंसी 3 ऋतु की एफिशिएंसी 2 प्रिया की एफिशिएंसी 4, आगे लिखा नेहा एक काम को करने में एक्स दिनों, नेहा एक काम को एक्स दिनों पूरा कर सकती है जबकि प्रिया उसी काम को x-15 दिन में पूरा करती है, बात नेहा और प्रिया की करी है, तो एक साइड पर नेहा एक साइड पर प्रिया, इनकी एफिशिएंसी क्या बच्चा 3:4, तो वर्किंग डेज का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3, तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस कितना इनके दिए दिनों में, आप कहोगे सर मेरे हिसाब से डिफरेंस है एक दिन का, बट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, नेहा को अगर एक्स दिन लग रहा है तो प्रिया को x-15 दिन लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से नेहा को अगर 4 दिन लग रहा है तो प्रिया को 1 दिन लग रहा है, मतलब तुम्हारे हिसाब से एक दिन कम, क्वेश्चन के हिसाब से 15 दिन का, तो अगर 1 = 15 तो नेहा मैडम ये काम 60 दिन में करती थी और प्रिया मैडम ये काम 45 दिन में करती थी, क्लियर है, पूछा क्या है तीनों उस काम को कितना देखते हैं, जैसे एफिशिएंसी पर रेशियो घुमा सकते हो ना, अगर चाहो तो एफिशिएंसी पर रेशियो घुमा सकते हो, कैसे बोले सर 3 2 5 4 9, अगर तीनों मिल जाएगी तो एफिशिएंसी आ जाएगी 9 यूनिट, 9 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी, अच्छा नेहा की एफिशिएंसी 3 थी, अब 3 यूनिट वाले को लग रहा है 60 दिन, तो 9 यूनिट वाले को मतलब एफिशिएंसी 3 होना, तो टाइम तिहाई, आंसर 20 दिन, एफिशिएंसी पे खेल जाएंगे, दूसरा तरीका क्या रहेगा, बोले सर किसी को उठा लो, प्रिया को 4 दिन लग रहा है, 4 यूनिट काम प्रिया कर रही है, 45 दिन लग रहा है, तो पूरा काम कितना 4 × 45, और ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम करें, 9 × 45, 4 × 20, आंसर 20, कैसे भी कर सकते हो, पॉइंट क्लियर है, तो सवाल में कुछ था,
मजेदार सवाल, ऐसा नहीं बच्चे के सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में बहुत कुछ है, ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं। बट अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बार बार हमें उसी को ग्रहण करना है, उसी को मतलब मेन चीज कही पहले तो आपको कुल्हाड़ी पकड़ा दी हमने, अब आपको क्या करना है, उस कुल्हाड़ी पर धार लगानी है। जितनी बेहतर धार लगा जाओगे कुल्हाड़ी पे, जंगल उतनी आराम से काटोगे ना, और नहीं लगाओगे तो फिर कुछ काट कुछ नहीं पाओगे, आप चाहिए सर जी नहीं हुआ। और वो सुनना ना हमें पसंद आएगा और ना ही आपको बोलना पसंद है। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ लो कि दूसरा और कोई अल्टरनेट आपके पास नहीं है, सिर्फ मेहनत करके आप ही छोड़ जा सकते हो, वो भी नहीं पैसा दे चुके हो नहीं जाओगे, ठीक है, क्लियर यहाँ पर ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगले सवाल बेहतरीन सवाल लग रहा है देखने में, काफी ज्यादा भरा पूरा। ऋतु डबल टाइम देन प्रिया, भाई ऋतु डबल टाइम देन प्रिया, प्रभु तुम चश्मा लगाओ, हम तो लगाए हैं, हमको जरूरत नहीं है, तुमको है क्या लिखा है, एक काम को पूरा करने में ऋतु को प्रिया से दुगना टाइम लगता है, तो अगर टाइम दुगना लगा तो एफिशिएंसी आधा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एक बार और समझाना है, चलो चौथा सवाल लगाने के बाद फिर समझाते हैं, ये सवाल लगाओ फिर समझाते हैं, ठीक है, ये सवाल लगाते हैं उसके बाद फिर समझाएंगे, समझ लो जितने बार समझना है, लेकिन गलतियां सारी दूर कर लेना यहां से, यहां से निकलने के बाद अगर गलतियां नहीं चाहिए, क्लास ओवर हो गई सर जी, फिर भी गलतियां कर रहे हैं वो नहीं चाहिए, अभी तो जितने बार समझना है समझ लो, इस बार लोग फिर समझेंगे उसको। एक व्यक्ति सी अपनी क्षमता की काम करते हुए 21% काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, खुशी की बात है, 21% 10 दिन में कर सकते हैं, वह सी से बी सी से 10 11 ठीक है यार, ये कुछ रुक जाओ कुछ खतरनाक है, अ पर्सन सी कैन कंप्लीट 21% वर्क इन 10 डेज व्हाइल वर्किंग विद 10% ऑफ एफिशिएंसी, है क्या ये किया क्या इसमें, बी इज ट्रैवलिंग टू 1.9% मोर एफिशिएंसी, ठीक है खुशी की बात है, व्हाइल वर्किंग विद दिस हाफ एफिशिएंसी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाफ टाइम एज कंपेयर्ड टू द टाइम टेकन बाय बी, सच्ची when the time taken by A and B together to complete the 50% of the work. सवाल अल्टीमेट है, वैल्यूज गलत करके रखे हुए हैं इसमें, ठीक है, B से इतना एफिशिएंसी, ठीक है, ये वाली लाइन यहां से उठा ली उन्होंने, A while working with half efficiency, B की तुलना में आधे समय में काम कर सकता है, कुछ की बात है, A और B पूरे काम करते 10%, ठीक है, ये वाली लाइन बैठ रही है बस, और तो सब कुछ सही, 11% नहीं बाबू, इसको करो 11 से 1/9%, ये तो 11 से 1/9% हो जाएगा यहां पे, ये वाली लाइन का सोचो, अब इसके बारे में क्या बोल रखा है, कि व्यक्ति जो सी है वो अपनी कार्य क्षमता, अपनी कार्य क्षमता का 233 सही 1/3% एफिशिएंसी से काम करते हुए 21% काम 11 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मजेदार सवाल है ये तो, सवाल समझ नहीं आधा घंटा लग गया ना, ऐसा सवाल का तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, यहां पे लैंग्वेज आदि गायब करके रखा, चलो सवाल थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, सबसे पहला काम इसको करो आप 11 सही 1/9% पहला काम, ठीक है, दूसरा काम यहां पर एक वर्ड गायब है जो कि आपका यहां पर लिखा हो, इसी क्लियर क्वेश्चन में आप अंडरस्टूड कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, जी भाई साहब 21% काम कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन, यहां से बात को समझना मेरी, क्वेश्चन बहुत अच्छा स्टार लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पे स्टार लगाने का बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने आप, समझना मेरी बात को, जरा इसके बारे में कुछ लाइट प्रकाश टॉर्च जो भी डालो, 233 सही 1/3, 233 का 2 रख दो, 1/3 कितना 1/3, 2 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 7/3, मतलब जब सी अपनी एफिशिएंसी के 7/3 मतलब दोगुने से ज्यादा एफिशिएंसी, कुछ होता है ना, इनको हल्का सा पानी पे चढ़ाओ तो भले उनसे कुछ भी ना हो बहुत कुछ कर जाते हैं, तो वही चीज है कि जब वो अपनी एफिशिएंसी का 7/3 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहा था तो 21% काम किया उसने, जब वो अपनी एफिशिएंसी का 7/3 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहा था तब 21% काम किया, तो अगर वो अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा होता तो शायद वो 9% काम कर पाता, ये सब इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जब वो अपनी एफिशिएंसी का 7/3 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहा था, 7/3 गुना मतलब लगभग दुगने से थोड़ा सा ज्यादा, या देख सकते हो यहां से दुगना है, 200% का मतलब तो होता है, वही 200 से ज्यादा है, मतलब दुगने से ज्यादा काम कर रहा था, तब वो 21% कर पाया, तो अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से काम करता तो कितना काम कर पाता, आंसर आया 9%, कि सी भाई साहब ये सीधा सी है ना, सी भाई साहब 9% काम कर पाते 10 दिन में जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से काम करता, क्लियर सभी को बोला, यहां तक क्लियर सभी को, छोटा सा पॉइंट समझ में आया, सवाल बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, फिर क्या हुआ, BC से 11% अधिक कार्य कुशल है, चलो ठीक है, C के बारे में देखते हैं, अगर इन्होंने 9% काम किया है 10 दिन में तो पूरा काम कितना 100% काम कितने दिन में करेंगे, आपको सर 100% काम करने में 1000/9 दिन लग जाएंगे, अब ये जितना भी होता है वो आप कैलकुलेट कर लो मिस्टर सेंगर, हम नहीं करेंगे, इतना टाइम लग जाएगा सी भाई साहब को पूरा काम कंप्लीट करने में, हम बात कर रहे हैं अभी सी की, सी को कितना टाइम लगेगा, 1000/9 कितने दिन लग जाएंगे पूरा काम कंप्लीट करने में, जो भी इनके बारे में बता सकते, अच्छा BC से 11 सही 1/9% अधिक कार्य कुशल, 11 से 1/9% मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9 मतलब बी सी से 1/9 ज्यादा कार्य कुशल है, तो अगर यहां से बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाले तो आपको सर रेशियो आ जाएगा 10:9, बोलो आया, ये क्लियर हो चुका है, यहां तक क्लियर हो गया सर, कि बी जो है वो सी से 1/9 ज्यादा कार्य कुशल है, 1/9 ज्यादा कार्य कुशल है, मतलब अगर सी 9 है तो बी 1 ज्यादा 10 होगा, क्लियर, अब कहानी समझो, यहां से एक टर्निंग पॉइंट यहां पर क्या सिंपल सा है, कि अगर सी 10 दिन में 9% काम कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी 9 है, तो अगर यहीं पर बी आ जाए तब क्या होगा, सारी कंडीशन सेम है, सी की एफिशिएंसी 9 है वो 9% काम कर रहा है, मेरे भाई अगर बी आ जाए तो बी की एफिशिएंसी 10 है तो बी 10% काम कर देगा 10 दिन में, बोलो हाँ या ना, यहां तक पॉइंट कैप्चर किया या नहीं किया, ये बात कर रहे हैं हम बी की, सी के बारे में यहां तक समझ लिए थे कि भाई 21% कर रहा है 10 दिन में जब वो अपनी एफिशिएंसी का 7/3 महीने से काम कर रहे हैं, तो वो रियल अगर एफिशिएंसी काम करता तो 9% काम कर पाता 10 दिन में, अच्छा फिर बी और सी की एफिशिएंसी निकाली तो 10 और 9 किया भी, तो अगर 9 यूनिट वाला बंदा 9% काम कर रहा है 10 दिन में तो 10 यूनिट वाला बंदा 10% काम कर लेगा 10 दिन में, अब भाई बी का खेल तो सरल हो गया, 10% अगर 10 दिन में कर रहे तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, साफ क्लियर, क्लियर है ना बी का, अच्छा अब आगे बढ़ो, ये अपनी आधी क्षमता से, ये बोले कि भाई हम अपनी आधी क्षमता यूज करेंगे, हम अपनी आधी क्षमता यूज करेंगे, हम अपनी पूरी दम नहीं लगाएंगे,
अपनी आधी क्षमता यूज करेंगे। हाँ, ये वाला पॉइंट किससे भेजा है? शेखर आनंद कह रहे सब 9 दिन लगेगा। पॉइंट तुम्हारा भी सही, मुझे पता है तुम कहां पे बोल रहे हो। तुम यहां पर बोल रहे हो कि भाई अगर यहां पर 10 दिन ले रहे सी, तो यही काम 20 से कराते तो 9 दिन लेता। बिल्कुल सही, 9% करवाते तो 9 दिन लेता। अच्छा, हमने परसेंट को बदल के 10% में कर दिया, तो दोनों तरीके से दोनों सही है। शेखर, तुम्हारा आंसर निकाला है तुमने, तुम्हें यही निकाला ना कि 9% काम 10 दिन में अगर सी कर रहा है तो एफिशिएंसी का इशू है, वर्किंग डेज का इशू बदल जाएगा। तो जो काम सी 10 दिन में करेगा, बी 9 दिन में कर लेगा। तो भाई सी 9-10 दिन में काम कर रहा है 9%, तो बी 9 दिन में कर लेगा 9%। तो 9% 9 दिन में कर रहा है, हमने 10% 10 दिन निकाल लिया, ओवरऑल काम ठीक है। अब आगे की चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए अपनी आधी क्षमता से काम कर रहा है, ए बोला कि हम अपनी पूरी दम नहीं लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हें ऐसे लगा देंगे, ठीक है। आधी क्षमता से काम करते हो, बी की तुलना में आधा टाइम लिया, बी जितना भी टाइम लेता है उसे आधा टाइम लिया और काम को कंप्लीट कर दिया। समझे इस लाइन को। यहां तक पहुंचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि बी भाई साहब पूरा काम 9 दिन में कर लेते, पॉइंट क्लियर। लेकिन फिर सीन क्या बना? सीन ये बन गया यहां से कि ए भाई साहब अपनी आधी क्षमता लगाई और आधी क्षमता लगाने के बाद में आधे टाइम में काम को कंप्लीट कर दिया, मतलब 50 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया आधी क्षमता लगा के। अगर ये बंदा अपनी पूरी ताकत लगा देता तो कितना टाइम लेता? टाइम और आधा हो जाता, 25 दिन में पूरा कर देता। तो उसने आधी ताकत लगाई तो उसने 50 दिन में पूरा कर दिया, पूरी ताकत लगाई 25 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। ये बात रही थी, ये बात किसकी रही थी? कि ए भाई साहब 100% काम 25 दिन में कंप्लीट, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब इनसे काम कैसे काम करेंगे? बोले भाई सर, इनका एफिशिएंसी देखा जाए तो 1 यूनिट है, इनका एफिशिएंसी 4 यूनिट है, दोनों मिलकर टोटल 5 यूनिट काम करेंगे। 100 दिन ले रहा है तो भाई 1 यूनिट वाला 100 दिन ले रहा है तो 100 यूनिट काम, या फिर 4 यूनिट वाला 25 दिन ले रहा है तभी 100 यूनिट काम। क्वेश्चन क्या बोल रहे? बोले ए और बी से काम करवाना है, ठीक है, खुशी की बात है। बोले 50% काम करवाना है, बोले और खुशी की बात है। तो परसेंट पूरा काम था 100 यूनिट, 100 यूनिट पूरा काम था, हमें आधा काम कराना है, सिर्फ 50 यूनिट काम कराना है, ठीक है, और 50 यूनिट काम ए और बी से करवाना है। ये लोग मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 50 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। अल्टीमेट सवाल, सवाल को एक बार फिर से समझो, पहले ये बताओ अभी तक जितना भी सब क्लियर है सभी को? अगर सब क्लियर है तो एक बार फिर से समझा दे सवाल, सवाल बहुत बढ़िया है। तो जो कहां कहां पे टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का, 1 2 3 4 5 उसके बाद फिर आगे, अपने आप में उमदा सवाल है, बहुत बढ़िया। तुम लोग कैसा लगा सवाल? हाँ, एक बार पहले ये बताओ सारी चीजें क्लियर हुई हैं? समझाऊंगा एक बार, मैंने खुद बोला सवाल डिजर्व करता है एक बार समझाना, लेकिन पहले मैं पूछा कि एक बार सबको क्लियर हो गया, फिर उसके बाद समझ ज्यादा बेटर समझ आएगा। चलो ट्राई करो समझने का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, अब फिर से समझा स्टार्टिंग से। एक व्यक्ति सी अपनी क्षमता से, क्षमता का 233 से 1/3, इसको अपन काट के कितना लिख सकते हैं? मतलब ये लिख सकते हैं 7/3, इसको काट के कितना लिख सकते हैं? 7/3, मतलब 7/3 क्षमता से काम कर रहे हैं तो 21% काम कर रहे हैं। तो अगर ये अपनी क्षमता से काम करता तो कितना काम कर लेता? 9% काम कर लेता, ये सर। तब ये 7/3 क्षमता से काम कर रहा है तब ये 21% कर रहा है, तो अगर ये अपनी क्षमता से काम करता तो 9% काम कर लेता। 9% काम कितने दिन में किया इसने? 10 दिन में किया। 9% काम सी ने कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। 9% काम सी ने कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। याद तक क्लियर हो गया? फिर क्या उन्होंने बोला कि बी सी से 11 से 1/9 मतलब 1/9 होना अधिक कुशल है, तो 1/9 अधिक कुशल है, मतलब 9 अगर सी है तो बी 1 ज्यादा होगा 10 होगा। तो ये आ गया बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो, कि अगर सी 9 यूनिट काम कर रहा है तो बी जो है वो 10 यूनिट काम करेगा। याद तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगर 10 यूनिट काम कर रहा है तो भाई सी ने किया 9% काम, जितने दिन में सी ने 9% काम किया होगा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बी 10% काम कर देगा, क्योंकि वर्क का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो 9 और 10 है। या फिर ये शेखर ने जो निकाला था कि भाई अगर एफिशिएंसी का रेशियो सही है तो वर्किंग डेज का रेशियो बढ़ जाएगा, वर्किंग डेज का रेशियो 9 और 10 आ जाएगा, कि मतलब जो काम सी 10 दिन में कर रहा है बी 9 दिन में कर लेगा। तो फिर क्या करते हैं? 9% काम 9 दिन में होगा बी के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया? 9% को 10% के लिए वर्क को बदल दिया, शेखर ने वर्किंग डेज को बदला था, हमने वर्क को बदल दिया, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल के आ गया यहां से कि भाई जो बी अगर सी 9 यूनिट काम कर रहा है तो बी 10 यूनिट काम करेगा। तो हमने क्या किया कि सी अगर 9% काम कर रहा है 10 दिन में तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो बी 10% काम करेगा 10 दिन में, और अगर बी 10% काम 10 दिन में कर रहा है दैट मींस बी पूरा काम जो कि 100% होगा वो 100 दिन में कर लेगा, बी पूरा काम 100 दिन में कर लेगा, ठीक है। अच्छा, बी अगर पूरा काम 100 दिन में कर लेगा, हमने कह दिया बी की एफिशिएंसी आ गई 1, पूरा काम 100 दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 1, तो पूरा काम 100 यूनिट, 100 दिन में बी काम करेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, आपका आंसर होता 100 दिन। लेकिन फिर अगली लाइन उन्होंने कहा कि बी ए जो है अपनी आधी ताकत लगा रहा है, आधी क्षमता लगा रहा है, मतलब आधी ताकत लगाई और बी से आधे टाइम में पूरा कर दिया, बी से आधा टाइम कितना है? 50 दिन, 50 दिन में काम पूरा कर दिया जबकि उसने आधी ताकत लगाई है। तो अगर पूरी ताकत लगा देता तो ताकत दुगनी टाइम और आधा, जब आधी ताकत लगाई तो 50 दिन में कर दिया, पूरी ताकत लगा देता वो 25 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। अगर ए 25 दिन में काम कर रहा है, पूरा काम आपने 100 यूनिट रखा था, इसका मतलब एक एफिशिएंसी 40 यूनिट होगी, एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहा है, 25 दिन में 100 यूनिट कर देगा, तो पूरा काम आपका था 100 यूनिट, ये सुनो, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकल चुका। अब आगे क्वेश्चन क्या था? बोले ए और बी मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे, और बोले काम पूरा 50% करवाना है, आगे काम नहीं करवाना, सिर्फ 50% काम करना है। तो अगर 50% काम मतलब 50 यूनिट काम करना है, ये लोग 5 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना टाइम लगाएंगे? 10 है, ये सवाल था, पॉइंट क्लियर सभी को समझ में आया? मेंस लेवल क्वेश्चन, एग्जैक्टली, ये मेंस लेवल है, और मेंस में ऐसे सब सवाल नहीं आएंगे, एक चीज अपने दिमाग में रखना, मेंस में ऐसे सब सवाल नहीं आएंगे, ऐसे सब सवाल आ जाए ना तुम लोगों से 50 सवाल निकले। अभी तो करते हैं 200+ नंबर आ रहे हैं इंडोलाइजेशन के बाद में, मैं कह रहा हूं 50 सवाल नहीं लाओ, 50 सवाल जो 30 मार्क होगा ना मैथमेटिक्स का वो साइड छेड़ पाएगा, क्योंकि टाइम सिर्फ 2 घंटे होता है और प्रेशर भयंकर होता है, यहाँ पे बाहर बैठे कितनी लंबी लंबी कोई भी फेंक ले, जब अंदर जाते ना औकात पता लग जाती है। सब कहते मेंस सवाल, अरे ऐसे सवाल पूरे पेपर में जब हद से ज्यादा मिलेगा तो 10 से 15 मिलेगा। आज मैंने कराया सीजीएल मेंस 2019 के पेपर आए थे, प्रॉफिट लॉस के मैंने क्वेश्चन कराए थे, जब मैंने 10 क्वेश्चन कराए तो उसमें मुझे सिर्फ 1 क्वेश्चन अंक लगा, जो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, बट इतना अच्छा लेवल उसका भी था। और तुम लोग कैसे कराएगा, मैंने एक बार पहले बोल दिया था, यहाँ पर जितना मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स को लेकर तुम्हें सिर्फ वही सुनना है, दुनिया भर के मिथ चल रहे हैं बाहर वो मत सुनो, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, अगर वो मिथ तुम्हारे दिमाग में घुस गए क्रिएट होना हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर की बातों में बताना, सवाल ये चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, यार वो चलाना पड़ता है, अगर नहीं चलाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, घर बैठेंगे। मेरे पास में सोशल फार्मिंग कहीं है, वैसे मैं पता है मुझे कभी एक दो क्लासेस पढ़ाता हूं, मैं अपने पैशन के लिए पढ़ाता हूं, सुकून से कम बच्चों को पढ़ाता हूं, रिजल्ट देता हूं वैसे, और सुकून से नहीं लेता हूं, जो मैं करके आया हूं पता करता हूं, तुम्हें समझ भी गए होगे कि काम करता हूं मैं, करके पता है पैसा लिया आउटपुट देता हूं, जिसके लिए लिया है उसको मैं रिटर्न भी कर रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं, तो बस
कोई चीज बताए, बाहर का कुछ मत सुनो। मेन सवाल है डेफिनेटली, लेकिन ऐसे लेवल के सिर्फ 10 या 12 सवाल नहीं है। तो अच्छा सवाल, वैसे सब चीजें करेंगे, अभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बाद में इनको जब प्रैक्टिस लेवल पे आएंगे तो प्रैक्टिस लेवल में इन सब पे बहुत काम करेंगे। अभी तुम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीख लगा रहे हो यार, अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीख चल रही तुम्हारी, ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, सोचो प्रैक्टिस लेवल में क्या करोगे तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये किसने बोला था सवाल को रिपीट करने के लिए? आदित्य था ना, आदि चल भाई, ये तेरा सवाल आ जाओ। और भी सवाल रिपीट करवाने वाला, ये सवाल रिपीट किसने कराया था? नेहा ने तुमसे 50% ज्यादा भी सवाल, इसको देख लो दोबारा से, इसको समझ में नहीं आया, सब लोग रिपीट करते हैं ना, अच्छी चीज है। नेक्स्ट टाइम कभी तुम्हें भी नहीं आएगा तो तुम्हारा वाला भी ऐसे रिपीट होगा। तो सवाल जब नहीं है समझ में, बीच में कितने बार भी पूछो, हमें अच्छा लगता है अगर तुम लोग सवाल पूछते हो, ना देखिए बेवकूफ वाले मत पूछना, दूसरा करूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होना है, नेहा ऋतु से 50% ज्यादा कुछ है। तो अगर ऋतु ऋतु अगर 2 मिनट काम करेगी तो नेहा 50% एक्सपर्ट है, तो नेहा 40 मिनट, यहां तक क्लियर है? नेहा 40 मिनट। अच्छा ये जो वर्ड लिखा होता मैंने क्या बताया, उल्टा चल जाओ, पहले कौन मिला, पहले मिली ऋतु, तो इसका मतलब आगे की पूरी लाइन ऋतु को ली है। ठीक है, तो ऋतु एक काम पूरा करने में, यहां पर जो क्या ऋतु जो है ये काट के यहां पर लिख देंगे हम ऋतु। अब क्या ऋतु एक काम पूरा करने में प्रिया से दोगुना टाइम ले लिया, ऋतु टाइम दोगुना ले लिया, इसका मतलब एफिशिएंसी ऋतु की आधी होगी प्रिया से। अगर आधी एफिशिएंसी 2 है तो इसका मतलब प्रिया की एफिशिएंसी कितनी होगी? यहां पर 4 होगा, 3 होगा, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा। ठीक है, 50% नेहा ऋतु से 50% एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है, तो अगर ऋतु 2 है तो नेहा 3 हो जाएगी। अच्छा ऋतु वाली बात, प्रिया वाली बात, ऋतु एक काम पूरा करने में प्रिया से दोगुना टाइम ले लिया, अगर दोगुना टाइम ले लिया ऋतु, तो इसका मतलब ऋतु की एफिशिएंसी आधी, तो आधा वाला अगर 2 है तो प्रिया की एफिशिएंसी 4। क्लियर, एफिशिएंसी का काम कंप्लीट हो गया यहां से। अब क्या है, नेहा एक काम को करने में एक्स ले लेती है, नेहा एक काम को करने में एक्स ले रही है, एक साइड पर नेहा हो गया, दूसरी जबकि प्रिया उसी काम को करने में, तो दूसरी साइड पर प्रिया। अच्छा इनकी एफिशिएंसी कितने, तो नेहा की एफिशिएंसी 3 है, प्रिया की एफिशिएंसी 4 है, तो वर्किंग डेज का रेशियो कितना हो जाएगा जब सेम काम है, तो आपको सिर्फ 4 रेशियो दिया, मतलब अगर नेहा 4 दिन लेगी तो प्रिया 3 दिन लेगी। क्लियर, तो अगर नेहा 4 दिन ले रही प्रिया 3 दिन ले रही, तो तुम्हारे हिसाब से दिनों का डिफरेंस कितना है, प्रिया कितने दिन कम ले रही है? तुम बोलोगे सर मेरे हिसाब से तो प्रिया 1 दिन कम ले रही, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दिन कम ले रही, तो ये एक्स दिन ले रही है, एक्स माइनस 15 दिन ले रही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दिन कम ले रही प्रिया, तो आपको सर 15 दिन, तो 1 = 15 पे 1 = 15, तो नेहा इस काम को करेगी 15 × 60 दिन में, और प्रिया इस काम को करेगी 15 × 45 दिन में। क्लियर है या नहीं, समझ में? नेहा की एफिशिएंसी 3, नेहा 60 दिन में काम कर रही, प्रिया की एफिशिएंसी 4, प्रिया 45 दिन में काम कर रही है। अभी क्या बोला इन्होंने, प्रिया में तो काम कितने दिन में करेगी, काम में तो काम कितना है, बोले सर 4 यूनिट जिसकी एफिशिएंसी वो 45 दिन में कर रहे, अगर 4 यूनिट वाला 45 दिन में कर रहे, तो पूरा काम हो जाएगा 4 × 45, मतलब 180 यूनिट काम हो जाएगा। और ये 180 यूनिट काम करना किसको है, बोले तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, 6 × 4 = 6 और 3 = 9 यूनिट काम हो जाएगा। कितना दिन लगेगा, डिवाइडेड बाई 9 आंसर हो जाएगा 20 डेज। अभी क्लियर हुआ, आदि ये जैसे भी पूछा था, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। 3x = 4x - 60 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तुम गलत कर रहे हो भाई, नेहा की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, 3 यूनिट इनटू वर्किंग डेज, एफिशिएंसी इनटू वर्किंग डेज टोटल वर्क हो गया, तो नेहा के अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना हो गया 3x, भैया की एफिशिएंसी 4 है, इन्हें लगा x - 15, तो इनके अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना हो गया 4x - 60, सॉल्व करोगे x = 60 आ जाएगा, x क्या बोले नेहा को जितने दिन लग रहे, भाई आपने भी तो नेहा को 60 दिन निकाला है, और गौतम तुम्हारे अकॉर्डिंग भी x = मतलब नेहा 60 दिन काम करेगी, कहां गलत है, क्यों नहीं कर सकते, अरे क्या बोला, बस एक ही क्वेश्चन किया करो, दूसरा कोई क्वेश्चन चाहिए ही नहीं, अगर इसका रिप्लाई मिल रहा है किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें क्यों ऐसा बनाऊं कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम्हें ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद किसी की जरूरत पड़ेगा। तीन हो जाएंगे,
ये 12 दिन में काम को कर रहे हैं, एलसीएम ले लो 180, दैट मींस ए करेगा 3 यूनिट काम, एबीसी करेंगे 15 यूनिट काम, इसका मतलब बी और सी करेंगे मिलकर 12 यूनिट काम, और इस 12 में बी का हिस्सा 2, सी का हिस्सा 10। इन्होंने पूछा है कि अकेले काम करते हुए बी मतलब बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो 2 यूनिट वाला 90, मुझे ये वाला ज्यादा सूट कर रहा है पर्सनली, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ये सवाल देखो, ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, मतलब एफिशिएंसी जो है वो 3 गुना है, इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर सी 1 तो ए 3, एक लाइन का मतलब वही कर दिया करो, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में करो, भाई 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 22.5 दिन में कितना करेंगे, 22.5 गुणे 4, 22.5 गुणे 45 गुणे 90, भाई पूरा काम हो गया 90 यूनिट, क्लियर है, पूरा काम 90 यूनिट। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, 15 दिन काम किया लोगों ने, अब कंडीशन क्या, ये नई कंडीशन, यहां तक हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये एक नई कंडीशन आई, और ये नई कंडीशन क्या कह रही है कि यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, मतलब ये लोग 15 दिन काम कर ले, तो अब अगर 15 दिन काम कर लेंगे तो 4 के अकॉर्डिंग 60 यूनिट काम कंप्लीट, 60 यूनिट काम कंप्लीट 15 के अकॉर्डिंग, अगर 15 दिन काम कर रहे हैं एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर, 15 दिन में 60 यूनिट कर लिया, बचा कितना, मतलब बचा अब 30 यूनिट बाकी है, बड़े यहां पर खेला जाएगा, ये 30 यूनिट काम जो बाकी बचा, बी भी उनके साथ में जुड़ गया, बी आया बोले नहीं नहीं हम भी करेंगे ठीक है करो, तो वो बचे हुए काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, अगर बी अकेला अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, अब काम 90 यूनिट है हमारा और बी 15 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है या नहीं है, क्लियर है ना भाई, बी पूरा काम 90 यूनिट है और बी बोला हम 15 दिन में पूरा निकाल देंगे, इसका मतलब एफिशिएंसी तुम्हारी 6 यूनिट है, हमें खत्म कराना सिर्फ 30 यूनिट का, अब अगर बी भी इनके साथ जुड़ जाए मतलब तीनों मिल जाए तो कितना काम होगा, 6, 3, 9, 10 यूनिट काम होगा, हमें 30 यूनिट करवाना है, 3 दिन में काम कर लीजिएगा। ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है यार, तुम लोग क्वेश्चन की तारीफ किया करो यार, मैं नहीं पढ़ा फिर मैं लगाऊंगा ऐसे, पता है तुम लोग कुछ बोलते नहीं, मुझे लगता है दूसरा कोई सवाल तो नहीं दिया है ना, बात में सोचता सवाल ठीक था लेकिन तुम लोग का रिएक्शन देखो मुझे लगता है साइन का सवाल है ना, सवाल है सॉल्यूशन, अब क्या सॉल्यूशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह नंबर लिखे बस, ना एक्स है ना वाई है ना कुछ है, समझ में आता है ना तुमको, अगर ऐसे ऐसे पढ़ाता हूं तो सब समझ में आ रहे हैं, मुझे पहले ये बता दो तुमको समझ में आ रहा है यस और नो, तो पता लगा संजीव तुम तो अपनी हवाई जहाज निकाले पड़े हो, हमारे को समझ में नहीं आ रहे हैं क्या फायदा है, मतलब समझ में आना चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ तो वो चीज आउटपुट मिलना चाहिए ना, समझा रहा हूँ तो समझ में आने वाले सबके चक्कर में मुंडी मत लाना, बोले आंसर आ गया जो समझ में तभी बताना, चलो फिर आ रहे समझ में तो फिर कोई बात नहीं, चलो हमें कोई ना कोई दिक्कत है, हमसे कहोगे अगर तुम इसको पकड़ो तो पॉइंट पाएंगे और खतरनाक तरीके से सवाल लेंगे, कहा तक ये हो गया ना 22, चलो अब इसको आ जाओ, इसको ए बी और सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में खत्म कर लेते, तीनों मिले 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया, समझ में इस बात को, बी की तुलना में ए दोगुना अधिक उत्पादन करता है ठीक है, और सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है, यदि सी छुट्टी पर चला जाता है ठीक है, तो ए और बी इस काम को कितने दिन करेंगे, यार ये सवाल है कि क्या है, तो सवाल छुटा है, ए बी सी पैदा करके 27.5 दिन, ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी एंड सी अलोन कैन डू द टास्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू द टास्क इफ सी वाज ओनली, बात है इस सवाल कैसा लगेगा, कोई है बताने वाला मुझे ऐसा प्राणी जो इस सवाल को बता सके, कोई भी बंदा इस सवाल को लगा सकता है, तुम लोग कितने हो इस सवाल को, कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये टाइम एंड वर्क का टफेस्ट सवाल है, इतने में भले सवाल लग रहा हूँ, क्या स्माइल कर रहे हो, कितना आंसर बताओ, बैठो तो सही लगा, सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है, टफेस्ट सवाल है, आंसर चाहिए तुम लोगों से, आंसर आया सबका 20 आया सर, एग्जैक्टली दी सेकंड ऑप्शन सही है, अच्छा ये सुदीप है, ये गणेश है, ये सब पागल है, ये 18 दिन दे रहे हैं, एक 20 लगा रहे हैं, 18 लगा रहे हैं, डिसाइड करो कौन सा वाला सही है, अच्छा शेखर का भी 18 रखा है, शेखर का फर्स्ट डे है, शेखर तुम्हारा वाला, तुम फर्स्ट वाले भी लास्ट वाले, मतलब बीच वाले पहले पढ़ चुके हो, 18 आ रहा है 20 आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पाए, इतने हैवी हैवी लेवल के सवाल लगा रहे हो, ये सवाल है ना, ये सवाल है, इससे पहले ये सवाल आतंक मचा के गया था, इससे पहले वाले सवाल ने तो भयंकर उत्पात मचाया था, ये सारे सवाल तुम लोग लगा चुके हो, इतने बड़े वाले गधे हो, मतलब तुम्हारी तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, सवाल पता है कितना डिफिकल्ट है, सवाल तुमको सिर्फ उल्लू बनाने आया, मैंने कहा सवाल की लैंग्वेज इतनी ट्विस्ट कर रहे हैं तुम पकड़ नहीं पाओगे सवाल क्या कह रहे हैं, जितना उन्हें गोल गोल घुमाना था इतना तो पंडित जी शादी के टाइम पे फिर भी नहीं घुमाते, जितना सवाल घुमा रहे, अभी तो सवाल कितना टफ है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, क्लियर है, सी अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, फर्स्ट डे वाले सवाल सिखाए थे मैंने, अब तो पांचवा दिन है, मतलब इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचने के बाद स्टार्टिंग वाले सवाल नहीं कर करो, ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन ले रहे हैं, 12 दिन, सी कितना ले रहे हैं, 36 दिन, एलसीएम 36, ये कितना काम करेगा, ये एक यूनिट काम करेगा, ये कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, अब अगर सी एक यूनिट काम कर रहा है इसका मतलब ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे, ए और बी का तो पूछा है, अब ए जितना भी कर रहा हूं हमें क्या करना दुनियादारी से, ए और बी 2 यूनिट काम करने करना 36 यूनिट 18 दिन लग जाएंगे, बताओ किसने ये सवाल सिखाया था मैंने तुम्हें, जरूरी होता है माहौल बनाना, ऐसा तो सवाल ही सीजन मेंस का पेपर देने जाते हो, माहौल क्या रहता बाहर, कितना बाहर क्राउड चल रहा है, टफ पेपर आ रहा है, कैलकुलेटर पेपर आ रहा है, तो तुम्हें क्वेश्चन को देखना है या माहौल को देखना है, बेकार तुम लोग, तो मेहनत बेकार, आगे बढ़े अगला सवाल लगाते हैं, भगवान करे ऐसे 2-3 सवाल हो रहे हैं, तुम लोग कुछ बिल्कुल बनाने बन जाते हैं, अगला सवाल बी किसी काम को करने में ए तथा सी से 3 मिनट टाइम लेता है, सवाल आज ही पढ़ाया है, इस सवाल आज ही पढ़ाया आपको सॉल्व करना है, बी किसी काम को करने में ए और सी से 3 मिनट टाइम लेता है, सी उसी काम को करने में ए और बी से 2 मिनट टाइम लेता है, अगर तीनों अलग सॉरी तीनों मिलकर इस काम को 10 मिनट कर सकते हैं तो वो तीनों अलग अलग इस काम को कितने मिनट करेंगे, ठीक है, इस सवाल आज ही पढ़ाया मैंने,
सवाल क्या कह रहे हैं सर, बी रेशियो ए प्लस सी, बी जो है वो अगर ए और सी से तीन गुना टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये लोग एक का ही काम कर रहा होगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगा 1:3 कि भाई बी एक यूनिट काम कर रहा है और ए प्लस सी तीन यूनिट काम कर रहे हैं, बी रेशियो ए प्लस सी ये आ जाएगा 1:3। अच्छा ठीक है, सी जो है ए और बी से दोगुना टाइम ले रहा है, तो अगर सी है वो ए और बी से अगर दोगुना टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1:2। अब बताओ रेशियो वाला सवाल लगाया था इस तरीके से कि भाई देखो भाई ये है एफिशिएंसी की बात, बी ए सी तीनों मिलकर बंदे यहां पर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, यहां पर ये तीनों बंदे 3 यूनिट काम कर रहे हैं, चीजें खत्म नहीं बराबर करना, ये 4 ये 3 ऐसे 12 12 मतलब से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा, इसे 4 से करोगे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा, दैट मींस बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अच्छा ए और सी 9 है, यहां पर सी 4 है तो ए बराबर, या यहां से देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना होता है 8, 5 और 3 8, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों मिल जाते हैं, अगर तीनों मिल जाते हैं तो 4 3 7 5 12 यूनिट काम होता है, 10 दिन में कितना काम करेंगे सर, 120 यूनिट काम करेंगे, कितना काम किया 120 मिनट, तो बताओ एक टाइम कितना लगेगा, डिवाइडेड बाय 5 24 डेज, ये ऑप्शन बी, डिवाइडेड बाय 3 40, सी डिवाइडेड बाय 4 30, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला प्रोसेस आज सिखाया ना कोई सवाल, मैंने बताया भी था रेशियो में भी हम लोगों ने सीखा, बट इस पैटर्न पर भी सवाल बहुत, ये सवाल इस पैटर्न पे सीजीएल में और सीपीओ में कुछ भी होगा, तो 7-8 सवाल अच्छे सिर्फ इस रेशियो में, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इसमें बी जो है वो ए और सी से 3 गुना टाइम ले रहा है, तो अगर ए और सी मिलकर काम करेंगे 24 और 30, अगर 24 और 30 मिलकर काम करेंगे 120 हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 9, अब इससे का 3 टाइम लेगा तो मतलब 40 बाई 3 होना, इससे 3 टाइम मतलब 40, ओके सर ठीक है, चलो भाई कहाँ पे था, हाँ ये वाला हो गया, अब 40 पे 24 पे ये सवाल लगा, अब ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, सीधी बात बता देता हूँ, ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, रिजर्व नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूँ, है ना, यहाँ पर तुम लोग कर सकते हो, सवाल को सॉल्व भी कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना, अजय 12 दिन में अपना कार्य करता है, जितना कार्य विजय 15 दिन में करता है, एफिशिएंसी कर दो, भाई वर्किंग डेज का रेशियो पढ़ने से एफिशिएंसी मिलेगा, अभी अजय अगर 12 दिन में जितना काम करो उतना काम विजय 15 दिन में कर रहा है, 4 और 5 का रेशियो वर्किंग डेज का, तो एफिशिएंसी का रेशियो ये हो जाएगा 4, ये विजय हो गया और अजय कहाँ पे है, ये अजय हो जाएगा, मतलब अजय 5 मिनट काम कर रहा है और विजय 4 मिनट काम कर रहे हैं, भाई 5 मिनट 12 5 60 मिनट काम किया, ये 4 मिनट के बने 15 60 मिनट काम करेगा, ओके अब क्वेश्चन का पूछा, अगर विजय अजय से के परसेंट कम एक्सपर्ट है, कम सक्षम है, वो 5 है ये 4 है, कितने परसेंट कम है, अगर वो 100 होता तो ये 80 होता ना, 20% कम होता, उन्होंने पूछा के का पता लगा 20% खत्म, कोई जरूरत किसी को भी पेन वगैरह कुछ भी टाइप करने की, वैसे काम करो मैं इसका नाम बदल दूँ, आधा समय की बजाय पेन फ्री क्लासेस डालो, ठीक है, देखो भाई जहाँ पे पेन चलाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे नहीं चलाया जाएगा, बट अगर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे चलाना पड़ेगा, पेन फ्री के चक्कर में कुछ छूट जाएगा तुम्हारा, तो तुम फोकस करो इस तरीके से प्रैक्टिस करने पे, सवाल देखो, एक कंपनी
कंपनी के वो कुछ पेन बनाने हैं, कंपनी है उसको कुछ पेन बनाने हैं, और इस कार के लिए उसके पास तीन मशीन एबीसी है, एक काम तीन दिन में, बी काम चार दिन में, और सी काम छह दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं एक साथ काम करूं तो कार कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको पता हो, अगर आप चाहे तो रेशियो बेस पे लगा दो, या तो आप टेबल बनाओ, टेबल बनाएंगे ए बराबर तीन, बी बराबर चार, सी बराबर छह, एलसीएम लेके 12 वगैरह 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 सारा काम कर जाएंगे, एक तरीका तो कर सकते हैं। जाइए कुछ गलत है, कंपनी हैज अ जॉब टू प्रिपेयर सर्टेन नंबर एन, देयर आर थ्री मशीन ए बी एंड सी फॉर दिस जॉब, ए कैन कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज, बी कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज, एंड सी कैन कंप्लीट द जॉब इन 6 डेज, हाउ मेनी डेज विल द कंपनी टेक टू कंप्लीट जॉब इफ ऑल द मशीन्स आर यूज्ड। ओके, ये क्या लिखा है, ये पूरा पत्र गया, ये तो सवाल सरल था है ना। अब देखो एक वर्ड लिखा, उसने पूरा क्यों बदल दिया, और यहां पर ये गलत है, ये लाइन गलत लिखी है, इसको मैं हिंदी पढ़ गया तो हिंदी में काम खत्म हो गया, मतलब अब कैसे करना रहेगा, सिंपल सी चीज है, सिखाया हुआ है आपको, ये तीन दिन भी छह दिन का गया, ये तीन दिन भी चार दिन सीख रहे हैं, ए तीन दिन में काम कर रहे हैं, बी चार दिन में काम कर रहे हैं, और सी छह दिन में काम कर रहा है, एलसी हो जाएगा 12, ये चार यूनिट काम करेगा, ये तीन यूनिट काम करेगा, और ये दो यूनिट काम करेगा, हो गया। कितना टाइम लगेगा बच्चा अगर यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो, अब अगर ये लोग अल्टरनेट तरीके से काम कर रहे हो, मतलब पहले ए करे फिर बी करे फिर सी करे, इस तरीके से अगर काम कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से अगर चेक किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो दिन कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, सवाल का आंसर कुछ और जाना चाहिए ना भाई। अगर पहले दिन ए ने काम किया 4, दूसरे दिन बी ने काम किया 3, तीसरे दिन सी ने काम किया 2, 9 हो गया, और अगर चौथे दिन ए ने काम कर दिया 13 हो जाएगा है ना, 13 हो जाएगा, फिर तो कहते सर ये तो सिखाएंगे चीटिंग वाला खेल रहे, तो ये वाला तो देखो पॉइंट अभी गलत जा रहा है, आंसर होना चाहिए 3 सही 3 बटे 4 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो नहीं गलत है, कौन सा फिर से शुरू, इससे क्या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, हाँ करेक्ट वही चीज़, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा मतलब पूरी कंफ्यूज हो गया, सवाल पूरा सही है, मैं ही थोड़ा सा गलत काम कर गया और गलत काम से फील कर गया, सवाल पूरा सही, दिमाग में कुछ और आ रहा है, मतलब और कुछ और रहा हूं, और निकल कुछ और रहा है, ओवरऑल पॉइंट ये रहा कि ये सारी चीजें अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें, 7 days में मतलब एक साथ मिलकर एक ही टाइम पर काम करें, मतलब सबके साथ लग जाए और पूरी दम के साथ लग जाए, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, एक साथ बिल्कुल सही है, तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 9 यूनिट काम करना, 12 यूनिट है, तो 9 यूनिट काम कर रहे हो एक टाइम पर, 12 यूनिट अगर काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, एक सही 3/9 दैट इज इक्वल टू 1:3 days, और यही सवाल का आंसर है, अगर आपके पास ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो बना लो अपना 5वां ऑप्शन, वही सही होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका एक सही 1/3 दिन लगेगा, फाइनल मुझे लगता नहीं कुछ गलत है, क्योंकि ऑप्शन जब देखे ना तो दिमाग में एक चीज फिट हो गई कि भाई कुछ ना कुछ तो ऑप्शन गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि ए जो है वो 3 दिन में काम को कर दे रहा है और इसके सपोर्ट में बी और सी आए तो डेफिनेटली आंसर 3 से छोटा होगा, हमारा एक भी ऑप्शन 3 से छोटा नहीं है, तो दिमाग में क्लियर तो कर दिया ना कि भाई सवाल कहीं ना कहीं गलत है, बस वहीं पर जाकर फिर आगे बढ़ते गलत करते हैं, जल्दी रहता फैला दिया अभी आप सबको, ठीक है, तो आंसर जाएगा 4/3 या फिर 1/3 दिन, बिल्कुल सही आंसर है, ये चार ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, दो वर्कर है ए और बी, एक काम को कर रहे हैं, एक को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 9/2 घंटे अधिक लगेंगे, ये सवाल पढ़ाया हुआ है आपने कि भाई अगर दोनों मिलकर काम करें तो अगर सपोज करो एक ए और बी दोनों मिलकर एक्स घंटे में काम कर रहे हैं तो ए को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, बी को 9/2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या सिखाया था, √8×9/2, कैंसिल करो 4×9=36, तो मिलकर काम करने में 6 घंटा लगेगा, उन्होंने पूछा दोनों को मिलकर काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा दिखाया हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, करेक्ट, ये तो सरल सवाल है, पिद्दू वाला, बट ऐसा सवाल बहुत आता है, और एक सवाल आया हुआ है आपके सवाल एग्जाम में, प्रैक्टिस में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अल्टीमेट सवाल है, उसको और समझाऊंगा, सवाल का कॉन्सेप्ट यही है, बट लैंग्वेज इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने पेश करी है, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेते हैं, ए भाई काम अकेला करने में 4 दिन अधिक लेगा, ठीक है, बी अकेला काम करने में 16 दिन अधिक लेगा, फिर से वही चीज है, 16×64 दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में, वही चीज है ना, बोले ए और बी मिलकर जितना टाइम ले रहे हैं, ए को उससे 4 दिन ज्यादा लगते हैं, तो 4 हो गया वाला, बी को उससे 16 दिन ज्यादा लगते हैं, अच्छा इस सवाल की लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज सवाल की कभी कभी बड़े मजेदार तरीके से दी जाती है, तो सवाल की लैंग्वेज जरूर पढ़ना, अच्छा सीट देते प्रैक्टिस की, और सीट का पता प्रैक्टिस वाली टाइम नंबर की प्रैक्टिस वाली सीट, ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज में पता है एक बार किस तरीके से सवाल आया था, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, करेंगे सॉल्व, मैं जब भी एग्जांपल देता हूं थोड़ा सवाल के लगाना, इसी से लगा, इसी काम को करने में ए प्लस बी को जितना समय लगता है, एक उससे थोड़ा सा सोच लेता हूं, मजा आएगा, उससे 16 दिन ज्यादा है, 16 दिन ज्यादा समय लगता है, और बी को बी से 9 दिन ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट, क्वेश्चन आपके सामने, लैंग्वेज पर कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है,
किसी काम को करने में ए और बी को जितना भी समय लगता है, ए को 16 दिन ज्यादा लगता है, बी को 9 दिन ज्यादा समय लगता है, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितना लगता है? जल्दी से रिप्लाई करो, आंसर क्या आएगा इसका? क्या बोलिए कितना आएगा? एक बकरा फंसा, देखो सवाल घुमाने के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से सवाल को घुमाते हो, वहीं से चीजें बिगड़ती है। हमने जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था है ना, देखो कितने मतलब घिर गए जाके वहां पे। अब सवाल को समझो, क्या सवाल है? हमने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हो ए और बी, और फिर आपको बताया जाएगी ए ए बी से, ए बी सपोज करो एक्स में काम कर रहा है, तो ए को एक्स से कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है और बी को एक्स से कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कंपेयर कहां से कर रहे हो? दोनों के मिलकर काम करने से, क्लियर है ना? तो अगर दोनों के मिलकर काम करने को अगर देखा जाए तो दोनों को मिलकर जो भी टाइम लग रहा है, ए को उससे कितना दिन ज्यादा लग रहा है? बोले सर ए को टाइम लग रहा है उससे 16 दिन ज्यादा। मतलब अगर ये दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, अगर दोनों मिलकर 50 दिन में काम करते हैं, मैंने कहा 50 दिन में काम कर रहे हैं, तो ए को टाइम लगेगा 16 दिन ज्यादा, मतलब 66 दिन लगेगा, क्लियर है ना? कंपेरिजन समझो कहां पे। अच्छा फिर क्या बोला कि बी जो है उसको ए से 9 दिन ज्यादा लग रहा है। अब कंपैरिजन तो ए से करना हमने नहीं सीखा, हमने कंपैरिजन कहां पे सीखा? दोनों को मिलकर करवाना है कंपैरिजन। तो अगर ए से 9 दिन ज्यादा टाइम लग रहा है, बी को ए से 9 दिन ज्यादा टाइम लग रहा है और ए को दोनों से 16 दिन ज्यादा टाइम लग रहा था, इसका मतलब बी को ए प्लस बी से कितना टाइम ज्यादा लगेगा? सर 16 दिन तो ए को ज्यादा लग रहे थे और बी को ए से 9 दिन और ज्यादा चाहिए, तो 16 और 9 बी को 25 दिन ज्यादा लगेंगे, क्लियर है या नहीं? सवाल अब ये बना आपके फॉर्मूले की लैंग्वेज पर कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने टाइम में करते हैं, ए उससे 16 दिन ज्यादा टाइम लेता है और बी उससे 25 दिन ज्यादा टाइम लेता है। ये सवाल था, घुमा जितना भी सकते हो। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा अच्छे से, तो सवाल में ढेर हो जाओगे, 16 और 9 रूट में करके आंसर 12 निकाल दोगे, और किस्मत अगर खराब हुई तो पहला ऑप्शन 12 पर रखा होगा। बी को 25 दिन रोड लगेगा ए और बी से, एक्जैक्टली। और हमारा जो फॉर्मूला चलता है वो किस पे चलता है कि ए और बी से कितना दिन ज्यादा लग रहा है वो चेक करना होता है। तो अगर यहां से अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा यहां पर? तो आपको ए को लग रहा है 16 दिन ज्यादा, बी को लग रहा है 25 दिन ज्यादा, आंसर आ जाएगा 20 दिन, मतलब ए और बी काम को 20 दिन में करेंगे। बात क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी आए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये वाली गलती मत करना, स्टार लगा के गलती लिखना है ना, ये वाली गलती को स्टार लगा के लिखना। तो एक और सवाल देखो, तीन टाइपिस्ट है, पी क्यू आर है, कुछ स्पेस टाइप करना है, लगातार टाइप करने वाले पहले दो टाइपिस्ट पी और क्यू किसी काम को उतने समय में कर सकते हैं जितने समय में अकेला तीसरा टाइपिस्ट आ सकता है। अल्टीमेट सवाल, मजेदार, इस सवाल का सवाल के ऊपर डिजर्व करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है इस सवाल का। आज आज के अभी तक टाइम एंड वर्क में जितने भी सवाल आए हो ना, तो कुछ टॉप लेवल के सवाल होते हैं ना, जैसे आज वाली क्लास में 2-3 सवाल हमको, 3-4 सवाल ऐसे मिले जो कि मजेदार थे, जिनको लगाने के बाद में मज़े निकला, बोले वाह क्या सवाल थे। ये उनमें से एक है, 3 मेंबर हो जाए ना, देखते हैं अभी 3 मेंबर का कुछ देख लेते हैं। उतने समय में कर सकते हैं जितने समय में अकेला तीसरा टाइपिस्ट आर, अकेला तीसरा टाइपिस्ट आर करता है। इसका मतलब जितना काम पी और क्यू कर रहे हैं उतना काम अकेला आर कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हो बोले सर आर बराबर है पी प्लस क्यू। सवाल की पूरी थीम बदल जाएगी इससे, सवाल की पूरी थीम क्या बदल जाएगी? बोले सर जहां जहां आर लिखा दिख जाए वहां वहां पी प्लस क्यू लिख सकते हैं या नहीं? जहां जहां आर लिखा दिख जाए क्या इस स्टेटमेंट के थ्रू हम वहां वहां पी प्लस क्यू लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ो, यदि उसी कार्य को क्यू दूसरा टाइपिस्ट मतलब क्यू अकेले पी से 5 घंटे कम समय में, जबकि पी प्लस क्यू से 4 घंटे ज्यादा समय में कर रहा है, मतलब क्या है? एक साइड पर लिखो पी, पी एक साइड पर क्यू और यहां पर लिखो आर या फिर पी प्लस क्यू, बात सेम है। अब सवाल समझो लैंग्वेज क्या है कि भाई जो दूसरा टाइपिस्ट जो क्यू है वो पहले वाले से 5 घंटे कम टाइम दे रहा है, मतलब अगर ये एक्स लेगा तो एक्स माइनस 5 दे रहा है, लेकिन इस वाले से तीसरे वाले से 4 घंटे अधिक टाइम दे रहा है, मतलब प्लस 4 दे रहा है। ये सुनो, ये प्लस 4 दे रहा है और पी जो है क्यू से 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, क्योंकि क्यू जो है दूसरे टाइपिस्ट जो पहले वाले से 5 घंटे कम ले रहा है। इसका मतलब अगर बात पलट के कहेंगे तो पहला टाइपिस्ट दूसरे वाले से 5 घंटे ज्यादा दे रहा है, क्लियर? पहला टाइपिस्ट दूसरे वाले से 5 घंटे ज्यादा दे रहा है, तो अगर ये प्लस 4 में है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में 9। ये सुनो, आर जितना भी टाइम दे रहा है उससे 9 घंटे ज्यादा इसको चाहिए, क्यू जितना भी टाइम दे रहा हो आर से 4 घंटे ज्यादा चाहिए, पी को आर से 9 घंटे ज्यादा चाहिए। और आर क्या है? आर है पी प्लस क्यू। तो सवाल की लैंग्वेज क्या है? सवाल इतना बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन अब सवाल की लैंग्वेज बदल के ये बन चुकी है कि पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, पी को अकेले करने में 9 घंटा ज्यादा चाहिए, क्यू को अकेले करने में 4 घंटा ज्यादा चाहिए। सवाल कितने लगा इस कॉन्सेप्ट में? अभी बैक टू बैक 4-5 सवाल लगा। तो जरा हमें ये बताओ यहाँ से कि पी प्लस क्यू मतलब आर इस काम को कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा? तो कहोगे सर रूट 9 × 4 मतलब 36, इनको लगेगा 6 घंटा। अगर इसको 6 घंटा लग रहा है तो इसे 4 घंटा ज्यादा मतलब इसे लगेगा 10 घंटा, और इसे 9 घंटा ज्यादा इसका मतलब इसे लगेगा 15 घंटा। बात जब भी या नहीं भी, पूरी सवाल की डेफिनेशन बदल गई। सवाल तो 3 जगह पर दिखाई पड़ रहा था, पता नहीं क्या करना था, लेकिन अगर ये पॉइंट समझ पाए कि जो आर है वो पी प्लस क्यू ही है, सवाल की थीम वहीं से बदल जाएगी। सभी लोगों का वर्किंग टाइम निकाल लिया कि आर 6 घंटे में काम करेगा, क्यू 10 घंटे में और पी 15 घंटे में। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्यू और आर मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई क्यू कर रहा है 10 घंटे में, आर कर रहा है 6 घंटे में, तो बोले भाई क्यू कितने दिन में कर रहा है? 10 घंटे में, आर कर रहा है 6 घंटे में। बोले मिलकर एलसीएम हो जाएगा 30, ये करेगा 3 मिनट काम, ये करेगा 5 मिनट काम, मिलकर काम करने में डिवाइडेड बाई 8, आर से डिवाइड करोगे 8 या 24, 6 बचेगा, 8 × 56, 8 × 40, 3.7। ये सवाल है क्यू और आर मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे? मैंने कहा था ना सवाल जो आज बनाया ना उनमें से 3-4 सवाल बढ़िया थे, ये उस लेवल का सवाल है।
डीजल मेन से पूछा गया सवाल है 2016 या 2015 में चेक कर सकता अल्टीमेट सवाल ठीक है। तो एक बार इस सवाल को फिर से देखना, आज के सभी क्वेश्चंस को देखना, अभी तक जितना भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, क्लास नोट्स वगैरह, साथ ही साथ सीट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो प्रैक्टिस रहेगी। बाकी हम लोग अभी एक दिन और प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड वर्क पे। अभी टाइम एंड वर्क पे कमांड कैसे हम लोग, अभी हमें बताओ कितना सब लोग हम लोग क्या कर चुके हैं, बातचीत पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं ना, अब टाइम एंड वर्क पे कमांड कैसे। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहता हूं, करना पसंद करता हूं, मुझे सिर्फ ईमानदारी से रिप्लाई कर दो, टाइम एंड वर्क पे कमांड कैसे। ये सब बैटरी जाने वाला है, लेक्चर भी जाने वाला है ना, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलके, और जब ये प्रैक्टिस वगैरह सबसे लगेगा कि हां अब परफेक्शन पे आ गए हैं, तो बीच में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम वर्क एंड बेसिस पढ़ा जाएंगे, कब हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ा जाएंगे, और प्रैक्टिस चलता ही रहेगा। तो मतलब अगला एक वीक या लगभग अगले 10 दिन तक आपको फील नहीं होगा स्पेसिफिक तरीके से चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, चलो पाइप एंड सिस्टम पढ़ते हैं, सभी में एक ही चीज चलेगा, नहीं आपको पता चलेगा कब आपको ये सब चीजें शुरू करेंगे और खत्म होगी। हां सब जरूर आएंगे तो समझ जाओगे पाइप सिस्टम शुरू हो चुका है, बट थीम एक ही चलेगी, सिनेरियो एक ही चलेगा, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस भी चलेगी। तो इस तरीके से हम लोग टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी अगर 5 दिन में ये सीन है, अंदाजा लगाओ, मैंने कहा 10 दिन अभी और चलेगा, उसमें 10 दिन बाद क्या करूंगा, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, सीट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करो, अगर अभी होता है तो करो सही। बाकी कैमरे की बैटरी निपटने वाली है, दूसरी मैं उससे बढ़िया, फिर आज की क्लास पर ओवर करते हैं, एंजॉय किया सभी ने, तो ठीक है आज की क्लास ओवर करें और कल आपसे मुलाकात करेंगे अपने टाइम पे, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करना। चलिए भाई देखो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, अब कुछ बातें आपसे करेंगे, 2-4-5 मिनट आगे का सिनेरियो समझिए किस तरीके से रहेगा आगे की चीजें। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग टाइप रहता है, उसमें रहता है कि इंडिविजुअल टाइप क्वेश्चन रहता है, इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उसमें आपने क्या सीखा है कि राम किसी काम को कर रहा है या एक किसी काम को कर रहा है, इस तरीके से किसी एक इंडिविजुअल बंदे के बारे में बात करिए, एक बंदा होगा या दो बंदा होगा, सबके बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो एक तो चलो इस तरीके के सवाल हुए और इन सभी सवालों पर हम लोगों ने प्रैक्टिस करी अच्छे से, ठीक है, काफी चीजों को समझा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज रहेगी वहां पर चलेगा ग्रुप वाइज सवाल, वहां पर क्या होगा किसी एक इंडिविजुअल बंदे का आपको नाम पता नहीं चलेगा कि बंदा कौन है, वहां पर ग्रुप की बात चलेगी, वहां पर आपसे बोला जाएगा कि आदमी किसी काम को कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल पैटर्न पर काम किया, फिर उसके बाद में हम लोग ग्रुप वाले पैटर्न पर काम करेंगे, ग्रुप वाले पैटर्न पर काम करने के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड बिजनेस वाले पार्ट में, ठीक है, जहां पर आपको पेमेंट को लेकर डिस्कस किया जाएगा। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए कहीं पर भी आपको सैलरी पेमेंट को लेकर कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जब हम लोग ग्रुप वाले टाइप को कंप्लीट कर जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे वो सैलरी वगैरह से रिलेटेड वाले सवाल, सैलरी को हम लोग कैसे पे करना है। अच्छा सैलरी का एक सिंपल सा सिनेरियो आपको मैं बता दूं, सैलरी का मतलब होता है कि जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, क्लियर। अच्छा ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे जो आपके हार्ड लेवल टाइप रहते हैं, मतलब उनमें क्या रहेगा, दो टाइप ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि रियल में मजेदार है, उन पे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बट हम लोग उन पर पहुंचेंगे कब, जब हम पीछे के सारे काम कंप्लीट करके जाएंगे, तब अगर हम वो चीज को समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे एक सवाल पूछा था हमसे, किसने, संजय कोहली ने पूछा था, संजय कोहली आपका सवाल बाकी बढ़िया है, और ये जो सवाल है ये सवाल एसएससी के एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, इस पैटर्न का सवाल रेलवे के एग्जाम में 1 बार आ चुका है और अदर एग्जाम में भी आ चुका है, क्योंकि ये सभी एग्जाम हमारे डायरेक्ट निशाने पर रहते हैं कि हमें एसएससी के बारे में काम करना है, हमें रेलवे के बारे में सीखना है, तो हम इनको ज्यादा फोकस करते हैं। इनके बारे में बताइए कि ये जो आपने सवाल पूछा है इस टाइप का सवाल एसएससी 3 बार पूछ चुका है, रेलवे भी पूछ चुका है, मतलब सवाल ऐसा है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है, 2.5 साल से तो आगे आने वाले टाइम में इस सवाल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अब ये सवाल चूंकि बेहतरीन सवाल है, जो एक बोलते हैं ना टॉप टाइप के सवाल 10% आते हैं, ये उन सवाल की कैटेगरी में जाएगा। तो इसको हम कब सीखेंगे, जब हम अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पोर्शन रहते हैं, अलग अलग बंदे काम करें वो सीख चुके हैं, हम लोग ग्रुप वाले सीखेंगे, फिर हम लोग वर्क एंड बेसिस सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये चीजें सीखेंगे, क्लियर। बट हाँ सीखेंगे सारा कुछ, सब चीजें कंप्लीट करेंगे, याद रखिए चीजें आप सभी को, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सेशन रहेगा बेसिकली ग्रुप वाली चीजों पर, ग्रुप में अगर कोई काम कर रहा है तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहां पर देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक फॉर्मूला रहता है आपका एमडीएच मसाले, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, अभी कुछ दिन पहले ही इनके जो पुनर्थ एमडी डेथ हुई है, तो एमडीएच मसाले से ध्यान रखो M1D1H1/W1, यहां तक आपने सीखा होगा ये बराबर रहता है M2D2S2/W1, इस तरीके का सवाल चलता है। यहां पर M आपको रिप्रेजेंट करेगा मेंबर्स को, मेंबर्स मतलब जो भी मेंबर रहेंगे वो आपसे कहेंगे 10 आदमी है तो 10 आदमी रखेंगे, 10 आदमी 4 औरतें हैं तो वो रखेंगे, जो भी मेंबर्स होंगे वो M1 को रिप्रेजेंट करेंगे, M1 और M2 मतलब M1 होंगे पहली सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, M2 हो जाएगा दूसरी सिचुएशन में जितने भी, ठीक है। अच्छा D1 की बात करें, D1 आपके देश को रिप्रेजेंट करेगा, पहले जो लोग हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, D1 उसी तरीके से देश को रिप्रेजेंट करेगा, H1 आज को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी तरीके से M2D2S को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद W वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, कभी कभी आपसे पूछेंगे कि उससे 3 गुना काम कितने टाइम में करेगा, W आपके वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इन सब के बाद में एक पॉइंट अपनी तरफ से और ऐड कर लेना, ये W के साथ साथ S1 और S2 को ऐड कर लेना। अब देखो W और S1 ये चीजें क्या है, W मतलब आपका वर्क हो जाएगा और S मतलब आपकी सैलरी हो जाएगी, जिसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ये लास्ट में मैंने वर्ड ऐड किया है तो इसको मैंने सैलरी से उठा के S रख दिया। अच्छा एक बात समझिए, जब कुछ लोग मिलकर कुछ दिन काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट होगा, और जब काम कंप्लीट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम सैलरी देंगे, तो वर्क और सैलरी जो होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप काम करो उतना आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना ज्यादा तुम काम करो उतना कम तुम्हें पैसा मिलेगा, कभी नहीं होगा, जितना आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर W और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब काम जितना जितना काम करेगा उतना सैलरी बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना सैलरी घटेगा, तो इसलिए प्रोपोर्शन में आते हैं, तो सेम पार्ट पे चलेंगे। तो ये आपका बेसिकली फाइनल फॉर्मूला बन गया कि M1D1H1, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला हमने लिख जरूर दिया है, बट इसको हम लोग यूज सिर्फ दिमाग में करेंगे, अपन सीधे पॉइंट पे चलेंगे, इतने आदमी जैसे कुछ 10 आदमी है, 6 दिन काम किया तो 10×6 60 यूनिट काम करते, हमारे दिमाग में ये 15 आदमी है 20 दिन काम किया, 15×20 300 यूनिट काम करते, 15 आदमी 20 दिन काम किया तो 15×20 300 यूनिट, इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आता है कि इसमें कितने तरीके के सवाल आपसे पूछे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपसे 4 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, अगर हम टाइप वाइज अगर बांटना चाहें तो इसमें 4 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, मैं 4 तरीके के सवाल के पैटर्न को एक बार एग्जांपल दे रहा हूं कि किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कमेंट लिख देता हूं, में था मुझसे नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी आपका टाइम पर कंप्लीट, मैंने जैसे आपके क्वेश्चन में बताया कि अभी सवाल मैंने आपको नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पाया तो नहीं कर पाओगे वो अलग बात, लेकिन अगर पढ़ाने के बाद नहीं कर पाओ वहां पे बंद होना पड़ता है, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाने के बाद फिर से ट्राई करना, तब ना होना तो फिर मुलाकात करेंगे, ओके अभी जो पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है। अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से बन गया उसके बारे में बात करें, तो क्वेश्चन लगभग 4 पैटर्न के बन गए, ठीक है। अच्छा एक पैटर्न पहले सबसे पहले आदमी वगैरह इन सब पे बात आएगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे, जैसे अगर आपको बोल रहे हैं कि
चार आदमी या छह औरतें, इस तरीके से आपको बोलेंगे। ठीक है, चार आदमी या छह औरतें, ऐसा कुछ आगे स्टेटमेंट लिखा होगा। एक तो पैटर्न ये बन जाएगा, दूसरा पैटर्न बन जाएगा चार आदमी और छह औरतें लगभग करके। तो वो सारी चीज आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कौन-कौन से टाइप के सवाल बनेंगे। हां, एक चीज ध्यान रखना इसमें कि किस किस तरीके से आपको चीजों को डील करना है, वो सारी चीजें, प्लस एक आपको जनरल पैटर्न सिखाया जाएगा कि आप किस चीज को अप्लाई करके आंसर में पहुंचोगे। जनरल पैटर्न हमेशा बेसिक पैटर्न रहेगा, मतलब ये वो तरीका है जिसे अप्लाई करके आप आंसर पे पहुंच ही जाओगे डेफिनेट। ठीक है, लेकिन हम हर टाइम उसे अप्लाई करेंगे। हम सवाल को देखने के बाद में कोशिश करेंगे कि इसमें और कोई अप्रोच अप्लाई हो सकती है। अगर अप्रोच अप्लाई हो सकती है तो अप्रोच को फोकस करेंगे, और अगर नहीं अप्लाई हो सकती है तो फिर हम लोग अपने जनरल पैटर्न पे आ जाएंगे। इसके बाद टारगेट करेगा इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का पैटर्न करेगा, तो पैटर्न सिंपल सही रहेगा। अगर मैं पॉइंट प्रेजेंट करूं तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपको रेशियो ऑफ एफिशिएंसी फाइंड करना रहेगा। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का आपको अनुपात फाइंड करना है, जो भी लोग अगर आदमी है, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको सबसे पहले फाइंड करना रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका आपके टोटल वर्क फाइंड करना रहेगा। और तीसरा पॉइंट रिक्वायर्ड आंसर, जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप, इस तरीके से तीन स्टेप में चलेगा। लेकिन कई बार हम कोशिश करेंगे कि हमें इन सभी चीजों को यूज ना करना पड़े, डायरेक्टली आंसर पे जंप मारें। बट अगर कुछ कई सवाल ऐसे भी आएंगे जहां पर डायरेक्टली जंप नहीं मार सकते, वहां पर आपको जनरल फॉर्मूला, जनरल चीजें अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां के लिए आपके पास में ये पैटर्न है। सबसे पहले आप रेशियो फाइंड करोगे एफिशिएंसी का। जब हमें रेशियो मिल जाएगा, जब हमें एफिशिएंसी मिल चुकी, तो हम टोटल काम भी पता कर लेंगे, पूरा काम कितना है, और फिर उसी हिसाब से आंसर पूछेंगे। इस तरीके से सारी चीज चलेंगे। कैसे इन पर सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। स्टार्टिंग अप्रोच अपनी सिंपल रखेंगे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों से समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलो भाई। अच्छा, एक एकदम सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन आपको देखा कि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो M1 की वैल्यू होगी 30 आदमी और D1 की वैल्यू होगी 24 दिन। आपसे पूछा गया 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। क्लियर, तो देखो इस सवाल को जैसे अगर करना रहेगा M1 D1 लगाएंगे तो M1 कितना है, M1 है 30 आदमी, आदमी को M लिखना, मैन को जाएगा, इसलिए लिखने के लिए करें, यहां पर कोई जरूरी नहीं है। बट जब बात आगे जाएगी, अगर दूर तक जाएगी, तो वहां पर चीजें कैसे बनेंगे, 30 आदमी और 12 महिलाएं, तो फिर वहां पर चीजों को अलग अलग प्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरीके के टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी से स्टार्ट करते हैं। 30 आदमी है और ये 24 दिन काम कर रहे हैं, तो जो भी होगा ये पूरा सिनेरियो बन चुका है। जो चीज नहीं दी गई, जैसे आज नहीं दिए गए, तो उनको हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ दें। 30 आदमी 24 दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए, 36 आदमी कितने दिन काम करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन काम करेंगे, M1 D1 M2 D2। ठीक है, अब अगर मैं जो भी कर रहा हूं उसको काट दूं, M से M खत्म, पहली चीज 12 गुणी 24, 12 दिया 36, 3 9 30, तो यहां से आपका फाइनली x बराबर आ जाएगा 10 गुणी ऑप्शन सी। अभी एकदम सिंपल लेवल पे समझ में आया नहीं आया, उसके बाद फिर इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब चीजों पर भी काम करेंगे। बट पहले एक दो सवाल इस तरीके से लगाएं, उसके बाद में चीजों को रिप्लेस करने वाला काम सिखा दिया जाएगा। भाई वहां पर 36 है, इस तरीके से रेशियो वगैरह का भी काम सिखाया जाएगा। रेशियो का काम ऐसे सिखाया जाएगा कि भाई अगर ये डेढ़ गुना हो रखा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू किसका डेढ़ गुना है, अगर 24 का डेढ़ गुना 36 है तो 30 किसका डेढ़ गुना है, 20 का डेढ़ गुना है, आंसर इतना काम करके भी आंसर पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बाद में सिखाएंगे, पहले इसको पक्का कर लेते हैं। क्लियर हो सभी को, ये सब लोग ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, ये सवाल देखो, इसको इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन खोद रहे हैं और 18 दिन में खोद पाते हैं, तो 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोदें खोद देंगे यदि 9 घंटे प्रतिदिन काम करें। तो यहां पर तो पूरी फॉर्मूला यूज हो गया। अब यहां पर काम क्या है, सबसे पहली चीज काम क्या है, भाई पिछले वाले सवाल में तो काम उन्होंने सेम कर दिया था कि उसी काम को करना है, तो जब कोई चीज सेम है, W1 की वैल्यू W2 के बराबर है, तो रखने की जरूरत नहीं, सीधे कट जाएगा, तो हमने रखा नहीं था। लेकिन अब जो सवाल है, यहां पर पहले पता लगाओ काम क्या है, बोले काम है सर, क्या काम है, पहली बार में 20 मीटर लंबी खाई खोदने की बात कर रहे हैं, जो कि काम है हमारा, और बाद में 39 मीटर लंबी खाई खुदवानी उन्होंने, मतलब W1 की वैल्यू W2 से अलग है।
कि यहां तक जितना भी कुछ सिखाया, जो भी फॉर्मूला का अप्लाई, यहां तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया था कि ये जो फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है ये बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और उसके बाद में इन दो क्वेश्चन को हमने जस्ट एग्जांपल दिया कि भाई आप लोग समझ पाओगे कैसे फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में हम लोग बात, ठीक है। तीसरी सीट के क्वेश्चन नंबर 17 को बता दो, ओके ना, ठीक है। अभी ये पढ़ाई करो जो पढ़ा रहा हूं, तो यहां तक ये सब चीजें थी, तो अगर ये सब कुछ क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग आगे की चीज आपको सिखाएं। वहां से आपका थोड़ा सा ग्रुप वाली सवाल रहेंगे, उस बात की कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें पता है m1 = h1 / w1 = m2 = h2 / w2 है, तो कैसे करना रहेगा। यहां से चीज ये जब भी इस तरीके से चीजें इक्वल में आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपका mdh / w ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ये तभी पॉसिबल है ये इस तरीके का फॉर्म, जब इस तरीके की वैल्यू बने। यहां पर सिर्फ m2 तक ही नहीं जा सकते हम, अगर चाहे तो हम आगे भी जा सकते हैं m3 d3 s3 / w3। आप लोगों ने सर ये तो कभी फार्मूला पढ़ा नहीं, जरूरत नहीं पड़ी ना, कि जाने को इनफिनिट तक जा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये केस तभी बनेगा जब mdh / w एक कांस्टेंट होगा। क्लियर, तो mdh / w एक कांस्टेंट है, क्लियर यहां तक। अच्छा, जब ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है, अगर ये सब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो रखा है, इसका मतलब ये रहता है कि w जो है, अगर हम w को उधर भेजें, अगर ये कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका mdh प्रोपोर्शनल हो जाएगा mdh होगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा w के। और कौन सी बात है, अगर आदमी बढ़ाओगे दिन उतने लगेंगे, घंटे उतने काम करेंगे, लेकिन अगर आदमी बढ़ाए तो काम बढ़ेगा, आदमी घटाए तो काम घटेगा, सीधा इफेक्ट कहां पर दिख रहा है, बराबर। अगर आदमी उतने लगे उतने घंटे काम करें, बट अगर कुछ दिन काम करें, कम दिन काम करेंगे तो काम कम होगा, ज्यादा दिन काम करेंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है ना। तो जो mdh है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के, यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसका मतलब यह है कि यहां से अगर हम चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, एक तो चीज ये हो गई, दूसरा यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, एक पॉइंट और निकल के आता है कि अगर थोड़ा सा हम टेक्निकली सोचे तो mdh जो है, जो mdh है वो बराबर है w into constant के, सी मतलब constant, तो mdh है वो बराबर है w, ये बार उधर पहुंच गया, constant को हमने कितना लंबा लिख के सिर्फ लिख दिया, मतलब कोई constant ये change नहीं होगा कभी, ये fix रहेगा, ये क्लियर है। अब अगर हम आपसे गए, मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर हम आपसे गए, हमने आपको एक पैटर्न पढ़ाया था product constant method, और अगर उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं, मैं अगर आपसे कहूं ये तो constant पहले से है, वर्क अगर हम सेम करते, वर्क अगर हम सेम करते मतलब कांस्टेंट करते, काम चेंज ना हो, वर्क अगर हम सेम करते तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट होगी पूरी, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, और इस पे हमने पाबंदी लगा दी, भाई तुम बदल नहीं सकते, इसका नेचर में बदलना है नहीं, और इसको हम बदलने देंगे, बदलने नहीं देंगे, वही घर वाला डायलॉग, अरे तुम भूल जाओ हो नहीं सकता, लाइक दिस, बोले तुम बदल जाओगे हो नहीं सकता, और तुम बदलोगे हम बोले नहीं देंगे, तो यहां से कंडीशन क्या बन जाएगी, बोले जो राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो कभी बदल नहीं सकती, ये पॉइंट क्लियर हो सकता, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, और इसको हमने सेम रख दिया, हमने कहा तुम भाई बदल नहीं सकते, थोड़ी देर ऑपरेट करो, तो राइट हैंड साइड हमारी हो गई कांस्टेंट। अच्छा, अब जब राइट हैंड साइड हमारी कांस्टेंट होगी तो हम यहां से एक चीज और सीखे, एक चीज सीखे थे वो था प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, यहां से हम सीखे थे प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड में हमने क्या सीखा था, हमने इस प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड में सीखा था कि a गुणे b बराबर हो अगर c के लिए, जहां पर c एक कांस्टेंट है, जहां पर c आपका एक कांस्टेंट है, मतलब a और b का प्रोडक्ट एक अगर कांस्टेंट चीज है तो इसका मतलब a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा b के। और वहीं से आप लोगों ने एक जादुई तरीका निकाला कि चाल का रेशियो पलटने से टाइम का रेशियो मिलता है, और टाइम का रेशियो पलटने से स्पीड का रेशियो मिलता है, ये जादुई तरीका यहां पे देता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है, यहां से आपके पास में फॉर्मूला रहता है, बस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला रहता है आपके पास, और ये चाल और समय वाला जो रेशियो पलटते हैं ये सिर्फ आप तभी लगा सकते हो जब डिस्टेंस सेम हो, बोला है ना। अब जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का रेशियो पलटने से टाइम का मिलेगा, टाइम का रेशियो पलटने से स्पीड का मिलेगा, बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पॉइंट क्लियर हो सकता है, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए पूरी रामायण महाभारत सीखना जरूरी है, इसलिए आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, और बार बार पूछो कि सब कुछ समझ में आया नहीं है, क्योंकि जब ये सारी चीज समझ जाओगे तो लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ देख के और टिक मार के निकलोगे, इसलिए बार बार पूछो कि बाद में सब ऊपर से ना निकल जाए। पॉइंट क्लियर हो सभी को यहां तक, ये सब एक बार कमेंट करके बताओ जरा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, वो ज्यादा टाइम निकलना है यहाँ पे, ये सब क्लियर हो, ठीक है। तो अब पॉइंट ये रहा हमारे पास में कि भाई जो प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड होता है वो सिर्फ लगता है दो क्वांटिटी पे, सपोज कर लेते कि आपने इनको सेम कर भी दिया, आपने इनको कांस्टेंट कर भी दिया, तब भी हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड पे तीन क्वांटिटी है, प्रोडक्ट कांस्टेंट लगे नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट लगता है सिर्फ दो क्वांटिटी पे। भाई सपोज करो कि अगर हमने इनको किसी भी तरीके से कांस्टेंट बना लिया, बट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तीन क्वांटिटी है, हम कहते हैं चिंता मत करो, सब कैसे होगा कि अगर डब्ल्यू सेम हो जाए और इन तीन में से कोई एक क्वांटिटी सेम हो जाए, मतलब सपोज करो एच की वैल्यू सेम होगी, अब ये भी कांस्टेंट एच भी कांस्टेंट, दैट मींस एम इनटू डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो, भाई इसको भी कांस्टेंट कर लिया हमने, सी कांस्टेंट था, डब्ल्यू को भी सेम कर दिया, एच को भी सेम कर दिया, जब हमने दोनों को सेम कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर सब कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एम इनटू डी अब हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, अगर एम बढ़ेगा तो डी घटेगा, बट नो प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट, तो अगर इनमें से एक वैल्यू कोई भी हो, सपोज करो एम कांस्टेंट हो जाए तो डी और एच का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर डी बढ़ाओगे तो एच घटेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर वर्क और इनमें तीनों में से कोई एक वैल्यू, वर्क और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो बाकी दोनों का रेशियो पलट जाता है, बाकी दोनों का रेशियो आपस में पलट जाता है। वैसे अब एग्जांपल समझो, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये था, यस और नो, जिसको आपने अभी इस तरीके से किया था, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, 30 आदमी है, 24 दिन है, ठीक है, घंटे की बात नहीं करी गई, बात नहीं की, दैट मींस वो कांस्टेंट ही था, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब वो कांस्टेंट था, ठीक है, तो आज कांस्टेंट हो चुके, फिर बोले 36 आदमी उस काम को, मतलब वर्क भी सेम हो गया, वर्क भी कांस्टेंट हो गया, तो भाई आदमियों का रेशियो कितना है, आपको सर आदमियों का रेशियो है 30 और 36, 5:6, तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा, सर पलट दो 6:5 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब आपको पता है 6 बराबर अगर 24 है तो 5 बराबर 20 है, और मुझे नहीं लगता ये सब करने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा,
जो आप सवाल देखोगे तो वहीं पर ब्रेक कर लो, ये तभी स्टार्ट है, आगे और बढ़ेंगे तो बहुत कुछ रहेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर नहीं सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अभी एक सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन ने क्या कहा कि कुछ व्यक्ति हमें पता कितने आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, घंटे की बात नहीं करी, मतलब 8 सेम हो गए, 8 व्यक्ति कम होते हैं तो काम को करने में 10 दिन अधिक लगते हैं, मतलब वर्क भी सेम रखा है, या सर नो, बोले आज भी कांस्टेंट था, वर्क भी सेम रखा है, इसका मतलब आदमियों का रेशियो पलटेंगे तो दिन का रेशियो मिल जाएगा, दिन का रेशियो पलटेंगे तो आदमियों का मिल जाएगा। अब यहां पे आपको बोले कि पहले लग रहे थे 7 दिन, पहले लग रहे थे 7 दिन, अब कितने लग रहे हैं, अगर 8 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, मतलब बाद में 70 दिन लगते, तो वर्डेज का रेशियो आ गया 6:7, तो इस हिसाब से बच्चा आदमियों का रेशियो कितना होगा, 7:6, क्लियर है? अब तुम्हारे हिसाब से कितने आदमी कम हो गए, तुम्हारे हिसाब से एक आदमी कम हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से 8 आदमी कम हुआ, तुम्हारे हिसाब से एक आदमी कम हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से 8 आदमी कम हुए, तो 1:8, तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 7:56, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे सॉल्व किया आपने कभी सवाल को, यह सुनो, आपने सवाल को ऐसे कभी सॉल्व किया? कोई भी सवाल होगा वो एमडीएच वाला फंडा सब जगह पे लगेगा, क्लियर है? नहीं, फॉर एग्जांपल अगर इस सवाल में काम चेंज कर देते, ये फंडा बिल्कुल नहीं होता, पर एमडीएच वाला फंडा बेसिक फंडा है वो सब जगह पे लगेगा, तो अगर चाहे तो यहां पर हम एमडीएच लगा सकते हैं। पहले हमारे पास कितने आदमी थे पता नहीं, तो पहले कितने आदमी थे, एक आदमी थे, क्लियर? कितने दिन में काम को कर लेते, 7 दिन में कर लेते, बराबर, बाद में कितने आदमी थे, 8 आदमी कम हो गए, तो x-8 आदमी रहे, और अभी काम को कर रहे 70 दिन में, एक एमडीएच बनेगा, ये सब लोग अब तक हमेशा 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 6x = यहां पर 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7x-56, 56 को इधर ले आएंगे, 6x अगर उधर जाएगा तो ये x आ जाएगा, और इन x हमें क्या माना था, स्टार्टिंग में आदमी डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका मतलब 48 को 144 से घटाओ, सिर्फ काम है 4 किलो,
चार किलो चावल खाना उधर पे एक किलो चावल खा, सवाल को छोटा करो, सवाल को छोटा करो, चार किलो चावल हम यहाँ पर खाना, यहाँ पर हम एक किलो चावल खा रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है 45 किलो चावल खाते हुए, एक किलो बहुत है, ठीक है, चार किलो चावल यहाँ खाना, एक किलो खा, अच्छा M1 D1 M2 D2 इस तरीके से चलेगा, तो एक कंपाइलर यहाँ से आएगा, तो इधर पे क्या दो से इधर कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 21 बार, क्लियर, 21 बटे 4 बराबर x, आंसर किसने दिया, सात आंसर किसने दिया, 90% होगा, 90 हमें कहीं पर भी सवाल में नहीं दिख रहा है, 90 तो हमें कहीं पर भी नहीं, सात आंसर किसने दिया, चलो बेसिक से समझ लो, अगर सात आंसर आ रहे, 42 आदमी 15 दिन में 144 किलो चावल खाते हैं, तो 30 आदमी x दिन में 48 किलो चावल खाएंगे, कैसे सॉल्व करोगे, चार बार, दो बार, 21 बार, तो x बराबर 21 बटे 4, बताओ भाई कहां पर है, यार बुद्धि खराब है मेरी, तो तीनों बार सवाल लगा चुका हूं, तीनों बार 48 चौको 48 चौको 48 चौको कर रहा हूं, फिर तो पागल ही रखा, मतलब यहां पर भी चार ही लिख रहा हूं, चलो ये तीन किलो रहेगा, अब काम सही है, वो तीन किलो हो जाएगा, यहाँ पर 21 आया, अभी 3 किलोमीटर में जाएगा, कितना बचा हुआ सर, 7 बचा बस, तो ठीक है, तो ऐसे कर जाओ, या फिर अपना वही तरीका जो आपको बताया उसे करो, ये सवाल यार मुझे बेकार करके, मैंने बेकार करके सवाल करो, सवाल में कुछ नहीं था, बेकार करके, सबसे पहले वर्क को डिवाइड करो, 3 गुना काम कर रहा है, अब अगर 3 गुना काम कर रहा है, 3 गुना काम करना है, देखिए देंगे दो आदमी यहाँ पर, ये 21 यहाँ पर, अब वर्क को डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 21 बटे 3 आंसर 7 खत्म, वही पर कर सकते हो, 21 बटे 7 भी लिखा, अच्छा 21 बटे 7 भी लिखा था, अच्छा कुछ हुआ क्या मुझे, नहीं हुआ, कुछ तो हुआ मुझे, कुछ गलत लग रहा है, ऐसे ऐसे सवाल गलत लगा, हो गया यार, लग रहा छुट्टी चाहिए मुझे, मैंने बहुत पढ़ा दिया लोगों को, तुम लोग सवाल हो गए, मैं जा रहा हूँ 5 दिन की छुट्टी मार के आऊँ, तो सवाल पढ़ोगे तो हो गया, इनका कल्याण निकल गया, सीजियल ऐसे निकलेगा, सीजियल फिर निकलेगा, आप लोग तो सच्चाई वाला सवाल देखो, अभी कंसल्टेंट होकर, ठीक है, अब मेंबर बदल गए, मेंबर कैसे बदल गए, यहाँ पर है आपके पास में 20 और थे, यहाँ पर है 16, समझना मेरी बात, उसी काम को वर्क सेम है, वर्क सेम है, उसी काम को 20 औरतें कर रही हैं 16 दिन में, और 16 आदमी कर रहे हैं 15 दिन में, आपसे पूछा गया एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, अगर हम यहाँ पर अपने जो कॉन्सेप्ट है जो अप्रोचेस है अगर हम वो अप्लाई करेंगे तो आंसर आदमी पहले रखा है 4 और 3 एक ऑप्शन टिक मार के हम निकल देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कैसे लेके आना है, वहाँ पर आपको धीमे धीमे एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा, धीमे धीमे हम लोग सब सीखेंगे, बट इतना आपको तैयार करके जाऊंगा कि सवाल को देखकर आप भी 4/3 कर सको, क्लियर, कैसे करना रहेगा उसके बारे में, सबसे पहले चीज वही है कि पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ से तो आपको होंगे वैसे 20 औरतें हैं और ये एक काम को 16 दिन में कर रही है, क्योंकि वर्क सेम है, वर्क सेम है, तो दूसरी जगह पर 16 आदमी इस काम को 15 दिन में कर रही है, और वर्क लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वर्क सेम है, अब क्या करना है, सबसे कंपेयर करना है, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, तो मैंने पहले आदमी को रखा, तो आदमी ऊपर, तो M अपॉन W, 3 को इधर भेज दोगे 4/3, मतलब एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का रेशियो 4:1, क्लियर, पहली चीज क्लियर हो गया, अच्छा मैन एंड वुमन 3 और 4 नहीं आएगा, सीखा कैसे आएगा, खुद देखो ना कि भाई आदमी 4 यूनिट काम कर रहे हैं और औरत 3 यूनिट काम कर रही है, उन्होंने जो रेशियो पूछा वो पहले आदमी पूछा बाद में औरत का पूछा, रेशियो कितना हो जाएगा 4:3 ना कि 3:4, क्लियर यहां तक, तो तीन ऑप्शन और भी किसी का है, नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताया जाता है MDH upon W, इवन आपने कहीं पर भी पढ़ाओ MDH upon W पढ़ाते हो सबको पता है कि वो एक ऐसा पैटर्न है जिससे कोई भी सवाल ब्रेक हो जाएगा, तो सरदर्द लेने की क्यों जरूरत पड़े, तो सीधा उसी पे प्रैक्टिस कराते हुए निकल जाते हैं, बट ये सारी चीजें जो रहती ना ये हमारे काम को ईजी करती है ना, ईजी करती है, तो जब भी अपन कोई नई चीज सीखेंगे तो थोड़ा सा देखो कंफर्टेबल तो होगी, बट अगर सीख गए ना तो आउटपुट बेहतर रहेगा, क्लियर ना, तो ये चीजें सीखो जरूरी है, क्या किया हमने, हमने यहाँ पर 16 दिन देखा, वहाँ पर 16 दिन दिखाई, 15 16 इधर भी सीखेंगे, उधर भी सीखेंगे, तो 15 आदमी 16 दिन में काम कर रहे हैं, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हमारा लैंग्वेज जो लैंग्वेज हम बोले वो गलत है, बट हमें जैसा सवाल बनाया हम बनाएंगे, आपने सवाल दिया अब कैसे तोड़ना बोलना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि कैसे हमने ये किया कि 20 आदमी बराबर है 15 सॉरी 20 औरतें बराबर है 15 आदमी के, अब अगर 20 औरतें बराबर 15 आदमी डब्ल्यू इधर भेज दो एम अपॉन डब्ल्यू 15 इधर भेज दो तो 4:1 थोड़ा कोई रूलिंग था, क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग काम करें, बाकी एम वन डी वन अगर आप लगाएंगे तो एम वन डी वन लगाएंगे तो इससे तो होगा, एम वन डी वन इसमें तो हर एक जगह पर काम करेगा, उसके लिए आप हमेशा वेट कर लिया हो गया, यहाँ पर अब सवाल को देखो जो तो चीजें कंप्यूटर करके गाइड कर सकते हैं उन सबको गाइड करो, 72 आदमी ठीक है 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं, 18 दिन में वैसी दीवार बनानी है, वैसी 100 मीटर लंबी दीवार बनानी कितने आदमी चाहिए, तो देखो ये हमारा काम, ये हमारा है काम, तो काम को काम से कंपेयर करो, बाकी चीजें इधर उधर कंपेयर करो, तो अगर बाकी चीजों को अगर इधर उधर कंपेयर करेंगे तो भाई 18 चौको 72 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 व्यक्ति लगे ठीक है, 4 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना रहे हैं, अब आपको चाहिए एक दिन में भाई 18 खत्म हो गया कितना बचा यहाँ पर, एक दिन बचा, एक दिन में बनवाना है 100 मीटर लंबी दीवार है बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए, भाई काम को काम से कंपेयर करेंगे 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है, अच्छा भैया अपॉन में जाएगा तो 4 से कैंसिल कर दो 7 बार यहाँ पर जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 दिन में बैठ जाएगा, तो 3 गुणा 10 30 आंसर खत्म, 3 गुणा 10 30 आंसर,
एक तो ये होगा वहीं पे, अगर धीमे धीमे प्रैक्टिस करके आओगे तो कर ले जाओगे, नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे आ जाओ। पूरे 72 आदमी 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बनाने, अभी चाहिए एक्स आदमी 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनानी। अब वही सब करोगे जो हमने किया, 18 चौको 72 4 7 28 70 7 दिया 21 0 से 0 खत्म, एक्स बराबर 30 ऐसे करो जाएगा, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा उलझाएगा, है ना। अब ये बताओ तुम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन पे जाओगे या हम लोग ये एस्टैब्लिश, ये आपका मेथड ए, ये आपका मेथड बी, अब हमें ये बताओ कौन से मेथड पे ज्यादा काम करना, जिस मेथड पे काम करना है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, साइड में दूसरे वाले को भी लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं दूसरे, स्ट्रॉन्ग किसको ज्यादा बनाया जाए, एक को बनाया जाए या बी को बनाया जाए, मैं दोनों के साथ खड़ी फिर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। अभी मुझे आप लोगों से जानना है कि ए अभी आप किसको प्रेफर करोगे, हम सवाल चाहे कितना भी मिला हम सॉल्व कर देंगे एक ही मेथड से, ठीक है। तो ये मेथड हमारा रामबाण है, ब्रह्मास्त्र मान लो कि सामने कुछ भी रहेगा ये चलाएंगे सामने वाला गिरेगा, ठीक है। तो इस पर हम करेंगे सबसे ज्यादा फोकस, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी पर्सनल लाइफ वो ये है कि इस पर हम करेंगे सबसे ज्यादा फोकस, लेकिन इसको भी चलेंगे छोड़ेंगे ये भी नहीं। मतलब क्या रहेगा, अगर हम इस पैटर्न से काम करेंगे जो अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मतलब इसको हम सबसे आगे रखेंगे लेकिन फोकस इस पर भी रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि जब भी आपके सामने सवाल आया तो चूंकि हम इसको साथ में रखें, अगर सवाल में नजर पड़ी और ये मेथड लगता हुआ दिखाई हुआ खटाक से लगा जाएंगे, बट अगर इस मेथड को लगाने में दिक्कत आई तो इसको तो हमने महारत हासिल करके रखना, तो सवाल छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। मेरी पर्सनल राय है कि इस पे हम लोग करेंगे प्रॉपर मेहनत, लेकिन साथ में इसको पॉइंट क्लियर हो सभी को, ये सवाल इस प्रकार से है, तुम पर सवाल लगवा रहे यार, ये सवाल क्यों दे देते हो, इंडिविजुअल सवाल है, बीच में माउंट खराब करवा दो बस, क्या सवाल चलो इसको लगा रहे हैं, बीच में सवाल आ गया इसको लगा रहा हूँ, सीख चुके हो ना हम लोग, दिखा चुका हूँ सब चीज़ है ना। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में करता है, जबकि बी प्रतिदिन 2 घंटे काम कर रहे हैं, वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछा कि दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपको सर दिक्कत आई, बोले दिक्कत कहाँ पे, बोले जब सवाल इंडिविजुअल सिखाए थे तो वहाँ पर घंटे की तो बात ही नहीं करते थे ना, मतलब एक सवाल भी या तो दिन की बात कर लेते थे या घंटे की बात कर लेते थे, यहाँ पर तो आपने दोनों बातें करो, कैसे किया सब। अब स्टेप ध्यान रखना, जो स्टेप आपको बताए गए थे कौन कौन से स्टेप बताए थे, मैंने स्टार्टिंग पे कौन कौन से स्टेप बताए थे, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी चाहिए, उसके बाद में टोटल वर्क चाहिए और फिर अपना रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, ये स्टेप ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो सबसे ऊपर कॉपी में, इन्हीं तीन पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में करना है, तो ये जो हो गया वो 14 दिन में काम को कर रहा है और 6 घंटे काम कर रहे हैं, बी उसी काम को 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 2 घंटे काम करके, तो जरा मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी का जायजा ले लिया जाए, कैंसिल अगर करेंगे यहाँ से तो 2 से कैंसिल करो ये 3 बन जाएगा 7 बन जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू 4/21, मतलब ए और बी का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट रहेगा रेशियो फाइंड करना, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकला है यहाँ से, ये सब सही 14, 6, 8 तो सब सही है, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकला है 4/21, मतलब ए 4 यूनिट काम कर रहा है तो बी 21 यूनिट काम कर रहा है, पहला काम हम लोग का डन, रेशियो हमने फाइंड कर लिया एफिशिएंसी, दूसरा काम क्या रहेगा, पूरा काम कितना है, टोटल वर्क आपसे पूछा गया था, टोटल वर्क आपसे जो पूछा गया था पूरा काम कैसे फाइंड करें, अब हमें पता लग चुका है कितना काम करें तो वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये तो था हमारा पहला स्टेप, ये तो था पहला स्टेप। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो ए कर रहे हैं 4 यूनिट काम 1 घंटे, ये 6 घंटे काम करता है और तब जाके 14 घंटे में काम कंप्लीट, जब 4 यूनिट काम 6 घंटे कर रहे हैं 14 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है तो चाहे ऐसे निकालो, या फिर बी 21 घंटे काम कर रहे हैं 21 यूनिट काम कर रहे हैं 21 × 2 × 8 जैसे भी सदा आपकी तुम्हारी मर्जी कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क फाइंड करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 × 14 मल्टीप्लाई कर जाओ, या फिर मैं बोलूंगा 19 + 5 − 5 361 में से अगर हम 25 घटाएंगे 336 आ जाएगा, मेरे को ये आएगा प्रोडक्ट, देख लेना 14 × 4 = 56 बचेगा 14 × 28 = 33 336 यूनिट हमारा पूरा काम आ गया, दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, या दोनों स्टेप फाइंड करने कोई प्रॉब्लम है, ये भी काम हम लोग करके बैठे हैं, ये काम भी हम लोग करके बैठे तो कोई ज्यादा टफ पार्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आते लास्ट स्टेप पर रिक्वायर्ड आंसर पे, इन्होंने आपसे क्या पूछा, उन्हें दोनों मिलकर काम करेंगे, पूरा काम कंप्लीट करके जाएंगे, 4 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे, अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे कितना काम करेंगे, 25 यूनिट काम करेंगे, 25 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर, 4 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में काम होगा, एक्स दिन में काम कंप्लीट, और कंप्लीट काम है कितना, ये तो 336 है कुछ साथ में आएगा, 125 दे रखे, 4 से कैंसिल कर दो, डायरेक्ट 32 × 4 = 16, दैट मींस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 84/25 और 25 से कैंसिल करेंगे 25 75 सही 3 सही 9/25, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क रिक्वायर्ड आंसर इस पैटर्न पर, ये आपका बेहतरीन मतलब जो ग्रुप वाले क्वेश्चन रहते ना उनमें अच्छे लेवल का सवाल है, ग्रुप वाले क्वेश्चन जाएंगे लगभग इसी पैटर्न पे जाएंगे, अब इसमें एक ही जगह 4 आदमी 10 घंटे भी करते रहेंगे, जो कुछ भी करोगे स्टेप यही फॉलो होगा कि पहले आपको एफिशिएंसी फाइंड करना है, एफिशिएंसी बाद टोटल वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क के बाद रिक्वायर्ड आंसर, इस पैटर्न से ये सवाल चलेगा, चाहे ये सवाल कितना भी घुमा दिया जाए, इससे एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, कम ही होगा ज्यादा नहीं चलेगा, ये बात क्लियर सभी को, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अभी फिर सवाल भी आते जा रहे हैं, कुछ आदमी किसी काम को 90 दिन पूरा कर सकते हैं, 15 आदमी कम हो जाए तो 10 दिन ज्यादा लगते हैं, 10 दिन ज्यादा लगे तो पहले 90 दिन लग रहे थे, 100 दिन लग रहे हैं, तो दिन का रेशियो, दिन
दिन का रेशियो बोले 90 दिन थे, अब 10 दिन ज्यादा 100 दिन लग रहे हैं, तो दिन का रेशियो आ जाएगा 9:10। अगर दिन का रेशियो 9:10 है तो आदमियों का रेशियो आ जाएगा 10:9। कितने आदमी कम हो गए? बोले सर एक आदमी कम हुआ है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 आदमी कम। हमारे हिसाब से एक आदमी कम हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 आदमी कम हुए। शुरू में कितने आदमी थे? 10 बराबर फाइंड करना है 150। तो देखो हमें क्या बताया, लेके चलेंगे हम सेकंड वाले मैथड, बट जहां पर ये वाला लगेगा वहां अप्लाई करेंगे, जब नहीं लगेगा उसी का वहां पर पूछ जाएंगे, बट लो नहीं देंगे दिमाग को और सवाल कोई भी होगा सॉल्व करके निकलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा एक और शेड्यूल आपको और दे देता हूं कि आपका टाइम एंड वर्क जो है वो किस पैटर्न में कंप्लीट होगा। ये शायद मेरे पास आज आ चुका है शेड्यूल, ये है टाइम एंड वर्क में आपके जो पढ़ रहे हो आप, इसमें आपके 91 क्वेश्चन है कांसेप्ट बिल्डिंग सीट में, 85 क्वेश्चन है प्रैक्टिस में और 28 क्वेश्चन है लेवल थर्ड में। वर्क एंड बेसिस पे आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे। पाइप एंड सिस्टम में टोटल कितना वर्क है 200, बट इसके अकॉर्डिंग पाइप एंड सिस्टम में 95 वर्क है। मैं तीनों मिला के ही बोल रहा हूँ, 240 ने कहाँ से लाया? मैंने खुद टोटल किया था ना, मैंने 204 क्वेश्चन ही नहीं भेजे, उसने 204 कहाँ से टाइप कर दिया। जो भी रहेगा मतलब जनवरी के एंड तक जो आपका शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क का। तो जनवरी के एंड तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद हम लोग उसमें पहुंचे टाइम एंड वर्क यूनिट कंप्लीट हो चुका होगा यूनिट, और फरवरी से हम लोग शायद स्पीड से स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल 20 फरवरी तक आपका प्री सॉरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया? ये हो गया, अब बचो ये सवाल, ये कुछ हैप्पी लग रहा है ना, अरे पूरे घर से लग रहा है। इसको देखो, एक बिल्डर ने फार्म हाउस को 45 दिन में बनाने का ठेका लिया, खुशी की बात है। आरंभ में उसने 150 आदमी काम पर लगाए, ठीक है, 150 आदमी को उसने काम पर लगाया। 30 दिन बाद 120 आदमी और काम पर लगाए और कार्य समय पर पूरा हो पाया। 30 दिन तक यही सब चलता रहा, उसके बाद उसे कुछ गड़बड़ समझ में आया, उसने 120 आदमी और काम पर लगाए, तब जाके काम कहीं टाइम पर कंप्लीट हुआ है। अगर वह अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाता, अगर वह एक्स्ट्रा लोगों को काम पर नहीं लगाता, तो आपसे पूछा गया कि काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होगा। रुक जाओ, जो ग्रुप वाले सवाल रहते हैं इसमें चार टाइप के सवाल आएंगे। चार टाइप कौन कौन से रहेंगे? पहला तीन टाइप तो कोई भी रहेगा, मैंने चौथा बताया था मिसलेनियस टाइप का, मतलब मिसलेनियस में ये रहेगा जिन्हें हम रिप्लेसमेंट वाली चीज बोलते हैं, कुछ लोग चले जाएंगे या कुछ लोग आ जाएंगे, ऐसी वाली चीज। जब इस तरीके का सवाल आएगा तो वहां पर आपको क्या करना रहेगा उसके लिए हम बताएं। जब भी इस पैटर्न का सवाल आएगा कुछ दिन तो चीजें नॉर्मल चलेंगी, जैसे ही नॉर्मल चलने के बाद कुछ गड़बड़ स्टार्ट हो समझ लेना हम सवाल को यहां से पिक करना है, उसके पहले का सिनेरियो बेकार है। जैसे सीन का सवाल में इन्होंने 150 आदमी काम पर लगाए, खुशी की बात है, 30 दिन काम चला कोई बात नहीं, इसके बाद में गड़बड़ी शुरू कर दिया, 150 आदमी भर्ती कर दिया, तो हम सवाल को कहां से पिक करेंगे? आफ्टर 30 डेज। जहां से हरकत शुरू हुई वहां से सवाल को पिक किया जाएगा। काम उन्होंने बोला है सर 45 दिन में काम कंप्लीट करना है हमें पूरा, हमने कहा ठीक है, इन्होंने 150 आदमी लगाए, अच्छी बात है, 30 दिन उन लोगों ने काम कर लिया, खुशी की बात है, बट 30 दिन के बाद इन्होंने 120 आदमी ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड कर दिए हरकत वहां से स्टार्ट हुई, वहीं से कुछ हो रहा है। ठीक है, अब सीन क्या बनता? पहले वाला सीन ये था कि पहले 150 आदमी काम कर रहे थे, तो वो 150 आदमी कितने दिन में काम को कंप्लीट करते? बोलते सर एक्स दिन में। ये कब की कहानी है? एक्स 30 दिन के बाद की है। सवाल 30 दिन पहले तो उठेगा ही नहीं, सवाल कब उठेगा? जब भी आपने यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसके बाद से सवाल उठे, तो 30 दिन बीत चुके उसके बाद हमने सवाल को पिक किया, तो 30 दिन बाद अगर 150 आदमी लगे रहते तो काम कंप्लीट होता, फॉर एग्जांपल एक्स दिनों, इन्होंने काम में 120 आदमी और भर्ती कर दिया, तो 120 आदमी और भर्ती कर दिए, तो अब कितना हो गया? 120 और भर्ती कर दी तो अब हो गया 270 लोग, 270 लोग हो गए। अब ये 270 लोगों ने काम कितने दिन में किया? बोले सर काम समय पर पूरा हो गया, तो 30 दिन तो हो चुके थे, टाइम दिया था 45 दिन का, मतलब इन 270 लोगों ने वो काम 15 दिन में कर दिया। यस और नो? अगर वो काम 15 दिन में कर दिया तो बच्चे यहां से 15 से कैंसिल करेंगे, एक बार जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 27, मतलब अगर ये 150 लोग लगे रहते तो ये 27 दिन और लेते, दिन बचे थे आपके पास सिर्फ 15, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा बंदे ना लगाते तो ये 27 दिन और लेते, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 15 से 27, 12 दिन एक्स्ट्रा लगते। मैं तो रीजनिंग करा बढ़िया है, अगर दो सब्जेक्ट बढ़िया तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता,
अब अंदाजा लगा लो 2015 में कट ऑफ कितना जाता, मतलब अगर तुम्हारे दो सब्जेक्ट बढ़िया है, दो में तुम ठीक ठाक हो या ठीक ठाक से भी नीचे हो, सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। सीएचएसएल 2019 कट ऑफ कितना गिरा है, 3 में 100% भी स्कोर करके आओगे ना तब भी गड़बड़ है, कंपटीशन है। जब हमारे टाइम की बात थी, हमारा टाइम ज्यादा नहीं गया, 2015-16 की बात बता रहा हूँ, तब इतना ज्यादा फॉर्म फिलिंग होता, 2019 में 70 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं यार, 70 लाख फॉर्म में वैकेंसी कितना है, जैसे मैं 4000 समथिंग था ना, अब 70 लाख में 4000 समथिंग वैकेंसी है। और इन 70 लाख में सबसे खतरनाक चीज ये है कि 2018 वालों को ज्वाइन नहीं मिली है, और 18 वाले सीजीएल वाले, अब जो 2018 भी क्रैक करके बैठे वो भी सीएचएसएल में बैठे थे, या सब लोग 19 वाले भी बैठे थे, कोई कंपटीशन तो हार्ड करेंगे नहीं लोग। अब यहाँ पर तरीका अपने पास है, लोग कहते हैं ना दुनिया भर का, मैंने भी 2-3 साल पेपर नहीं दिया, मैंने 16 भी दिया था, 17 सीजीएल का, 18 पेपर नहीं दिया, रिजल्ट आएगा पूरा नाम नहीं मिलेगा, पेपर नहीं दिया, रीजन क्या है, आप एक सीट खराब कर देते हो, अपने अंदर इतना रखो ना कि कोई तुम्हारी सीट ना खराब कर सके, सीट के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते, अंदर का दम दिखाते और सीट पर कब्जा करते हैं, समझे ना। तो ये एक्सक्यूज मत देना, सर सीजीएल 18 वालों ने पेपर दिया था, उन्होंने मेरिट हाई कर दी, अरे उन्होंने अपनी पढ़ाई जो भी उनके कंट्रोल में वो कर रखा है, तुम्हारी पढ़ाई उनके कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी कंट्रोल में है, तुम्हें पता है मेरिट हाई जाएगी, सीजीएल 2019 की मेरिट हाई गई है, 160 के आसपास है मेरिट, कितना 158 है ना सर, कितना मेरिट, क्या चाहिए, अब तुम्हें प्लानिंग करोगे 160 ले आएंगे, कहा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, प्लानिंग करोगे 190 नंबर लेकर, ये तैयारी तुम्हारे हाथ में, लड़के स्कोर करते 190-220 स्कोर करते हैं, सीजीएल 2019 वाले बैच का अनुज लगा है 199 नंबर स्कोर करके बैठा है, इसी बैच का जो इस बैच का लास्ट बैच का टॉपर्स लगे 198.74 नंबर स्कोर करते रखे, टॉपर्स लगते लास्ट टाइम कुछ भी नहीं था, कम से कम शायद 7-8 लड़कों के नंबर 190 प्लस थे, सिर्फ 200 बच्चों में, लोग लंबी लंबी फेंकते ना, हम इतने पढ़ाते उतने पढ़ाते, सिलेक्शन रेशियो देखो, तो ये सब चीजें देखो, एक चीज है कि जो भी नंबर्स बढ़ रहे हैं या मेरिट कुछ अगर बढ़ रहे हैं उसमें तुम्हारा कोई पॉइंट नहीं है, तुम्हारा पॉइंट सिर्फ ये है कि तुम उस मेरिट को देख करके परेशान, बल्कि तुम्हें मोटिवेट होना चाहिए 160 है, अब हमें 190 की तैयारी करनी है, 190 पे कैसे पहुंचेंगे ये डिसाइड तुम करोगे, ये डिसाइड कोई और नहीं करेगा, तुम्हें पता है, एक बात समझ लो, जब मैं भी तैयारी करता था, एक बार बताऊं, मैंने कोचिंग करी थी 1 महीने की, 1.5 महीने की कोचिंग करी थी, मुझे 1.5 महीने के टाइम पीरियड में एक बार ऑफिस बुलाया गया, सब लोग बैठे हुए थे, मेरी जीएस इतनी अच्छी थी, जो मुकेश होते थे तो लोग मुकेश बोलते, हमारे एसपी टेस्ट बोलते, अब वहां पर भी मुकेश चल गया, तो वहां पर मैथ में अच्छे नंबर थे, रीजनिंग में अच्छे नंबर थे, मतलब 45-47 समथिंग से, इंग्लिश में भी ठीक ठाक था, मतलब 20-22-24 के आसपास था, बट जीएस में -3 नंबर, तो उस टाइम पर अगर आज मुझे तैयारी करना होगा तो मैं -3 बैठ के रहूंगा नहीं, मैं सोचूंगा मैं क्या करूं, मैं 40 नंबर लेके, क्योंकि बिना 40 नंबर सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं से बाहर हूं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरिट बढ़ रही है, ये है, वो तो नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा कुछ, और जहां कहीं पर मेरी जरूरत पड़ेगा वहां पर अपनी पूरी हेल्प, हम बताएंगे कैसे करना है, सब चीजें समझेंगे, और कुछ भी अगर हेल्प करने की कंडीशन बनी वो भी सब करेंगे, बट आपको ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, एक सैनिक छावनी में 4000 लोगों के लिए खाना था, मैंने क्या बोला था, मतलब जो 160 दिन का खाना था वो अब 200 दिन चलेगा, तो बच्चा जो भोजन वो सैनिक कितने दिन तक चला लेंगे, 200 दिन चला लेंगे, खत्म कर, कोई टफ पार्ट नहीं है, जो काम जो टाइम निकल गया उसके बारे में नहीं सोच रहा है, एग्जाम में भी नहीं सोच रहे, क्वेश्चन में भी नहीं सोच रहे, सोच रहा वहां पर है जो अब आगे, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और सवाल देखिए, वीडियो बनवा दिया था कल तक, जो वीडियो दिया था, एक मिस्त्री एक दीवार को 10 घंटे बना सकते हैं, जब दूसरा मिस्त्री 9 घंटे बना सकता है, जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम करें तो पता चला कि प्रति घंटा 10 ईंट कम लगाते हैं, 2018 में सवाल आया हुआ इस तरीके का, कामचोर मिस्त्री है ये, क्या करते हैं, एक मिस्त्री एक दीवार को 10 घंटे बना सकता है, दूसरा वाला 9 घंटे बना सकता है, अच्छी बात है, जब दोनों मिस्त्री साथ में काम करते हैं तो पता लगा प्रति घंटा 10 ईंट कम लगाते हैं, और दोनों मिलकर 5 घंटे में दीवार को बना लेते हैं, लास्ट टाइम पे भी सवाल ये लगाया हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, सवाल लगाया था, आंसर 600 आया था, है ना, कौन सी कलेक्शन लगाया, 4th में या 5th में सवाल लगाया, ये कब लगाया मुझे नहीं पता, 4th या 5th में सवाल लगाया, कैसे सिखाया था भाई, देखो काम सेम है, जब काम सेम है तो पहला मिस्त्री 10 घंटे ले रहा है, दूसरा वाला 9 घंटे ले रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाला, और ये हो गया सेकंड वाला, वर्क टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 10 घंटे और इसको लग रहा है 9 घंटे, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगी आपको, सर ये लगाएगा 9 ईंटें और ये लगाएगा 10 ईंटें, बोलो हां क्लियर है, ये ले रहा है 10 घंटे टाइम, ले रहा है 9 घंटे टाइम, मतलब काम को, दैट मींस एफिशिएंसी इसकी 9 ईंट लगाएगा, 10 ईंट लगाएगा, दिमाग कितनी वर्ष 90 ईंटों की दिमाग, पॉइंट क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया, अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम तो करेंगे, पहले काम बताओ काम कितना है, सर काम है 90 ईंटें लगाएंगे, कितनी ईंटें लगाएंगे, 90 ईंटें, भैया 10 घंटे ले रहा है 9 ईंट लगा 1 घंटे में, 90 ईंटें, या फिर 9 घंटे ले रहा है 1 घंटे 10 ईंट लगा रहा है, तभी हमारा काम 90 ईंटों का, हमारा पूरा काम हमारा पूरा काम 90 ईंट होगा, इन्होंने बोला जब ये दोनों मिस्त्री एक साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाएंगे, ठीक है, और मिलकर 5 घंटे में दीवार बना देंगे, 5 घंटे में दीवार बना देंगे, दोनों अगर मिल जाएंगे, अगर दोनों मिल जाएंगे 9 ईंट लगाएंगे 10 ईंट लगाएंगे 1995 ईंट उन्हें लगानी चाहिए थी, उन्हें 95 ईंटें लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कितनी ईंटें लगाई, उन्होंने दीवार बनाई 90 ईंटें लगाई, उन्होंने 95 ईंटें लगानी चाहिए थी, उन्होंने लगाई 90 ईंटें, मतलब उन्होंने सर अगर देखा जाए तो 95 ईंटें अगर वो 5 घंटे में लगाएंगे तो इसका मतलब दोनों मिलकर 19 ईंटें लगाई 5 घंटे के बाद बना दी, 95 ईंटें उन्हें लगानी चाहिए थी बट उन्होंने लगाई, ठीक है, अगर 90 लगाएंगे तो कायदे से उन्हें 19 ईंटें लगानी चाहिए थी हर घंटे, लेकिन उन्होंने लगाई कितनी, मेरे सर 18 ईंटें लगाई, लगानी चाहिए थी 19 ईंटें, लगाई कितनी 18 ईंटें, बात समझ में ये नहीं आई, 19 ईंटें लगानी चाहिए थी, लगाई 18 ईंटें, तभी 5 घंटे में 90 ईंटों की दीवार थी, तो तुम्हारे हिसाब से कितनी ईंटें कम लगाई पर घंटे, मेरे सर हमारे हिसाब से 1 ईंट कम लगाई है, हमारे हिसाब से 1 ईंट कम लगाई है प्रति घंटे, बट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगी, तो हमारा एक क्वेश्चन के 10 के बराबर, तो हमारी दीवार जो 90 ईंटों की थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 ईंटों के बराबर, आगे सकते हैं, ठीक है, मतलब डाटा
पैटर्न ही पे चेंज है, सवाल का पैटर्न यही था। और देख लेते हैं सवाल को, है ना, चलिए आगे देखते हैं। पच्चीस आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 20 लड़के काम को 50 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के निकल और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं, तो काम 20 दिन में पूरा हो जाता है, बताओ कितने लड़के जुड़ गए थे। सवाल मजेदार है, क्या करें आगे पैटर्न पे। सबसे पहला काम चाहिए एफिशिएंसी, सबसे पहला काम चाहिए एफिशिएंसी। 25 आदमी 25 आदमी 10 दिन में काम को कर रहे हैं और फिर क्या 20 लड़के लड़के को बॉय लिख रहे हैं, 20 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 लड़के इस काम को 50 दिन में एफिशिएंसी का निकालो, 25 से कैंसिल करोगे दोबारा, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एम अपॉन बी आपके पास आ जाएगा 4/1। एफिशिएंसी निकाल ली कि मतलब एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है, आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है, लड़का 1 यूनिट काम कर रहा है। पहला स्टेप तैयार, पूरा काम कितना ये पता करो। अब पूरा काम कितना ये पता करो तो आपको अगर सर 25 आदमी है, एक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है तो 25 आदमी 100 यूनिट काम करेंगे और 10 दिन अगर इन्हें लग गया तो इसका मतलब जो सर टोटल वर्क था वो था हमारा 1000 यूनिट। यस और नो, दूसरा स्टेप कंप्लीट। या फिर दूसरी जगह से अगर छाटना है, एक लड़का अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो 20 लड़के 20 यूनिट काम करेंगे और अगर 20 यूनिट काम अगर 50 दिन होगा तो 20 × 50 1000 यूनिट काम हो जाएगा, तो पूरा काम हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क 1000 यूनिट। क्लियर है? ये अंकित पाल, तुम्हारा रेशियो 4:5 कहां से आ रहा है चाचा? 4:5 हम तो गलत निकले, हम निकले है ना, सही करो 4:5 को अंकित। अच्छा अब ये हो गया, यहाँ पर पूरा काम निकाल लिया हमने कितना। अब हमारा तीसरा स्टेप है रिक्वायर्ड आंसर में पहुंचना। काम क्या होगा, बोले सर 5 आदमियों ने काम शुरू किया, एक आदमी काम करता तो 4 यूनिट काम होता, 5 आदमियों ने काम शुरू किया, 5 को 20 यूनिट काम होगा एक दिन में, 20 यूनिट काम होगा एक दिन में होगा, 10 दिन बाद कोई एक्टिविटी हुई है, 10 दिन तक तो यही लोग किया काम, तो 20 के अकॉर्डिंग इन 10 दिन में 200 यूनिट काम कंप्लीट। बचा कितना, सर अभी 800 यूनिट काम बाकी, ठीक है। क्या बोले 10 दिन बाद लड़के जुड़ जाते हो, बचा हुआ काम 20 दिन में कंप्लीट कराना है, तो बचा हुआ काम ये 20 दिन में अगर कंप्लीट कराना है तो 20 दिन में कंप्लीट कराने के लिए पर डे 40 यूनिट काम करवाना है, हमें डेली 40 यूनिट काम करवाना है। कैसे करवाए, 5 आदमी तो लगे थे, मतलब 20 यूनिट काम तो ये लोग मिलकर कर रहे थे, हमें करवाना है 40 यूनिट काम और लड़के लगाने हैं, 20 यूनिट काम हमारा होता है, मतलब हमें 20 यूनिट का इस्तेमाल करना है, एक लड़का अगर 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो 20 लड़के लगा दो, 20 यूनिट काम हो जाएगा, तो 5 आदमी और 20 लड़के, 5 आदमी मिलकर 20 यूनिट काम कर देंगे और 20 लड़के मिलकर 20 यूनिट काम कर देंगे, टोटल 40 यूनिट काम हो जाएगा, हमारा पूरा बचा हुआ 8 यूनिट काम 20 का। तो फर्स्ट स्टेप एफिशिएंसी, दूसरा टोटल वर्क और तीसरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, किसी भी लेवल पे सवाल को घुमाते रहे और तो कहते ना कि इस लेवल के सवाल बिना पेन के बिना उसके कॉपी पेन के हो जाते हैं, पेन चलाना पड़ेगा, जहां पर पेन नहीं चलता है मैं बता देता हूं यहां पर नहीं चलेगा, जहां चलाना पड़ता है वहां चलता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई बिना पेन चला जाए, फिर तो एसएससी का ही नहीं खर्चा करते हैं, पेपर देने जाते हो तो बिना पेपर पेन वगैरह सब होता है ना सरकार की तरफ से, कोई जरूरत नहीं बिना पेन के, एग्जाम आएगा, ठीक है आगे बढ़ते और सवाल देखते भैया। अच्छा सवाल था, मजा आएगा, अगला सवाल देखो। अब ये देखो, ये एक और नए टाइप का सवाल है, इस वर्ड का मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब क्या, या तो एक आदमी लगो या तो औरतें या तीन बच्चे, मतलब यह है कि जब ये यहाँ लिखा होगा इसका मतलब यह है कि एक आदमी बराबर होगा तो औरतों के, बराबर होगा तीन बच्चों के, ठीक है, चीज का मतलब है नहीं। तो अगर यहाँ से हमें रेशियो फाइंड करना पड़ेगा लोगों के बीच का, रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर भाग कर दो, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आदमी औरत और बच्चे की एफिशिएंसी आ जाएगी 6:3:2, मतलब एक आदमी 6 यूनिट काम करता है, एक औरत 3 यूनिट काम कर रही है, बच्चा 2 यूनिट काम कर रहा है, एफिशिएंसी निकल के आ गई। भाई खुद सोच के देखो, जो 1, 2, 3 कर रहे हैं रेशियो ऐसे थोड़ी निकलते हैं मेरे भाई, रेशियो में हमने आपको बताया था कि कहीं पर इस तरीके से लिखा हो 2a = 3b = 4c, रेशियो ये थोड़ी ना होता है, एलसीएम से डिवाइड कर दो 12 से, 12 से डिवाइड करो a/6 = b/4 = c/3, अब रेशियो आपका आता है, जब ये इस तरीके से रहता है तो a/b/c = 6:4:3, ये तो सिखाया था रेशियो में, यस और नो, तो रेशियो कितना रहेगा, रेशियो रहेगा m, मतलब आदमी औरत और बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो 6:3:2। क्लियर, अब क्या पहला काम कंप्लीट हो चुका है, आप टोटल वर्क पे जरा नजर डाल लीजिए, तो चाहे एक आदमी से काम करा 44 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, तो एक आदमी 6 यूनिट काम करा 44 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा काम होगा 6×44, मतलब 6×24 = 24, 6×24 = 25, 26, 264 यूनिट पूरा काम, पूरा काम कितना है 264 यूनिट। अभी उन्होंने क्या बोला, ये वाला काम अब करवाना है एक आदमी एक औरत और एक लड़के से, तो एक आदमी एक औरत और एक लड़का अगर काम करेगा तो कितना काम, 11 यूनिट काम कर देगा, तो अगर 11 यूनिट काम करेगा पूरा काम 264 करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, आंसर हो जाएगा 24 दिन लगेगा, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है, 24 एफिशिएंसी टोटल वर्क रिक्वायर्ड आंसर, हर सवाल में सेम पैटर्न है। क्लियर, अब इसके बाद में आप वहां पर कई चीजें अप्लाई कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आप उस तरीके से डील कर सकते हो, भाई यहां पर 6 यूनिट काम हो रहा है, यहां पर 11 यूनिट काम हो रहा है, तो 11 और 6 का रेशियो रहेगा, उस तरीके से आप किसी तरीके से डील कर सकते हो, बट ओवरऑल आउटपुट यही रहेगा, ठीक है, एफिशिएंसी टोटल वर्क रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर 12 आदमी 15 औरतें या 30 बच्चे, 12 आदमी या 15 औरतें या 30 बच्चे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोले सर 12 आदमी बराबर 15 औरतें बराबर 30 बच्चे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, आपसे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो सब जगह पर, 60 से डिवाइड कर दो, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास सबसे पहले एम डब्ल्यू और बी का, यह आ जाएगा 5:4 रेशियो निकल गया, एक आदमी 5 यूनिट काम कर रहा है और 4 यूनिट काम कर रही है, बच्चा 2 यूनिट काम कर, अब उन्हें किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, या तो 12 आदमी लगा लो या 15 औरतें या 30 लड़के लगा लो, 45 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा स्टेप हमारा रहेगा टोटल वर्क, किसी से भी काम करो, 30 लड़के काम पे लगाएंगे, 30 लड़के पर डे 2 यूनिट काम कर रहे हैं, 45 दिन में काम कंप्लीट होगा, 45 × 90 और 9×27 2700 यूनिट हमारा पूरा काम, चाहे कैसे भी फाइन कर, 12 आदमी 5 यूनिट काम के साथ 12×5=60, 60×45 तब भी 2700 ही है, पूरा काम निकाल लिया हमने, पहला स्टेप एफिशिएंसी, दूसरा स्टेप टोटल वर्क, अब क्या बोला है 12 व्यक्ति 15 औरतें और 30 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, तो अगर अब हमें इस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे फाइंड करोगे, तो सर सीधा सीधा यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे
अभी आप लोगों को एक चीज नहीं समझाया यहां पर, वो चीज समझाऊंगा थोड़ी देर में, बट पहले इसको कंप्लीट करो। तीसरा पार्ट करेगा उसमें रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 आदमी 12 5 60 15 चौको 60 30 दूनी 60 180 यूनिट काम हो जाएगा। 2700 काम हमें कराना है, 180 हम कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 खत्म, कैंसिल कर दो 18 से 18 15 दिन में काम कंप्लीट, ऑप्शन ए करते हैं। तो ये इसका बेसिक पॉइंट, इस सवाल चाहिए कैसा भी यही होगा, बट ये दोनों जो भी सवाल थे ये दोनों सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? इस सवाल में अगर हम 12 आदमियों को ए बोलते हैं, ये तो अप्रोच है, 12 आदमियों को ए बोल दिया जाए, इसे बी बोल दिया जाए और इसे सी बोल दिया जाए, तो सवाल क्या बनेगा? बोले ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, मतलब ये तीनों बंदे बराबर हैं, क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, ए 12 व्यक्ति लिखा ना, ए बी और सी जो कि तीनों बराबर है, अगर ये मिलकर काम करेंगे तो भाई पहले एक बंदा काम कर रहा था 45 दिन लग रहे थे, अब तीन बंदे काम कर रहे 45 / 3 15 दिन लगे, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बट ये डायरेक्ट वाली जो रिपोर्ट है ये कुछ भी काम करेगी, जैसे सवाल में काम कर दी यहाँ पे काम नहीं करेगी, लेकिन ये जो सॉल्व किया गया है ये सब जगह काम करेगा, समझ में ना? अब जो वो एक बंदा दो बंदा वाले बात होगा, यहाँ पर तो प्रॉब्लम फंसो गए, सब लोग भाई यहाँ वाले सवाल में तो ये चीज सेट हो गई, तो 45 / 3 तुरंत 15 कर दिया, लेकिन ये चीज हर जगह तो सेट नहीं होगी, बट ये जो पैटर्न आपको सिखाया गया ये सब जगह, इतना सब कुछ समझाया सभी को, क्लियर हुआ आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में जितना कुछ पढ़ाया गया सब कुछ क्लियर सभी को, ये सब लोग ठीक है? देखो आज आपका ग्रुपिंग वाले का फर्स्ट लेक्चर था, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए, अब ये है कि आप ग्रुप वाले सवाल के साथ भी डील कर सकते, कल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, बट कल प्रैक्टिस करने के बाद टाइम एंड वर्क के इन सभी टाइप की चीजों पर परफेक्शन हो चुका होगा, उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे अच्छे लेवल के सवाल, ठीक है? और उसके बाद फिर उसके बाद वेजेस जाएंगे, फिर हम अच्छे लेवल सवाल पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीज हम क्लियर करते चलिए, बट ओवरऑल क्या जितना आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छे समझते जाना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाते जाना, बीच में एक रिवीजन क्लास काफी दिन से नहीं हुई है, तो सोच रहा हूं कि जल्दी आपकी रिवीजन क्लास में जाए, अगर कल परसों जब भी टाइम मिलेगा एक शॉर्ट नोटिस आपको दिया जाएगा, शॉर्ट नोटिस आपको कभी भी क्लास में बुलाया जा सकता है, आपको 2 या 3 घंटे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी क्लास है और आप लोग सही आ जाएगा, तो रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास लगाते हैं कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग गधे होकर भुलक्कड़ भूल जाते हैं, तो तुमको याद करना पड़ता है, तो जल्दी कोशिश करेंगे रिवीजन क्लास में, अगर रिवीजन क्लास टाइम से देखो अगर बनता है तो एक रिवीजन क्लास खुल जाए, ठीक है? अच्छा 12 नंबर इसका क्लियर नहीं हुआ है, इसका 12 नंबर, ये 12 नंबर वाला गया, ठीक है? टाइम पे ये वाला सवाल आदित्य दो बार बता चुका है ना, क्यों नहीं समझते हो तुम, बोलो फिर से अच्छे से, देखो एक मिस्त्री है, ये 10 घंटे में कोई काम कर रहा है, समझ लो इसका सवाल नहीं तो फिर रात में सोएगा नहीं, है ना? दुखी रहेगा, फिर आपको दुख होगा, वो भी आत्मा दुखा के यार फिर नहीं नहीं आती, तो एक मिस्त्री है वो किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, किसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है, दूसरा मिस्त्री इसी दीवार को 9 घंटे बना सकता है, अब बच्चा देखो वर्क बराबर है, वर्क सेम है, एक ही दीवार टाइप एक ही दीवार बनानी है, तो जब वर्क सेम है तो जो हमारी वर्किंग डेज का इशू होता है पलटने से हमें क्या मिलता है, एफिशिएंसी का इशू मिलता है, तो एक साइड पर मिस्त्री ए हो गया और दूसरे साइड पर मिस्त्री बी हो गया, पहले वाले मिस्त्री को टाइम लग रहा है 10 घंटे का और दूसरे वाले मिस्त्री को टाइम लग रहा है 9 घंटे, ये क्वेश्चन से लिया गया, अब चूंकि वर्क सेम है तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब एफिशिएंसी पलट जाएगी, ये हो जाएगा 9 और 10, अब चूंकि मिस्त्री है उसकी एफिशिएंसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, तो हमने कभी तो ईटो लगा रहे थे तो ईटो से रिप्रेजेंट करें, जो पहले वाला मिस्त्री है वो 9 ईंटे लगा रहा है 1 घंटे में, एफिशिएंसी क्या होता है पर यूनिट, यूनिट वो घंटे हो या दिनों, जिस भी पैटर्न पे आप लोग काम करवा रहे हो उस टाइम पीरियड में किया गया काम, तो चूंकि हमारे पास जो यूनिट है वो घंटे में है, तो हमने कहा कि पहला मिस्त्री 1 घंटे में 9 ईंटे लगा रहा है, दूसरा मिस्त्री 1 घंटे में 10 ईंटे लगा रहा है, अगर ये 9 ईंटे लगा रहा है और ये 10 घंटे तक ईंटे लगाता रहेगा, तो इसका मतलब दीवार कितनी बड़ी है, आपको सर दीवार जो है वो 90 ईंट की दीवार है, यस सर, वो 90 ईंट की दीवार है, दूसरे मिस्त्री को देख लीजिए 10 ईंटे लगा रहा है 1 घंटे में, इसे 9 घंटे काम किया तब 90 ईंट दीवार बनेगा, सेम काम हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? अच्छा अब इसके बाद में क्या सीन हुआ, बोले अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो मिलकर काम करेंगे तो 4 ईंट लगाने के बाद फिर उनकी मिस्त्री लोगों का घिसने वगैरह कुछ चलता है, लक्ष्मी छाप तंबाकू टाइप का वो चलेगा, बीड़ी वगैरह कुछ करेंगे ना, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ये लोग प्रति घंटा 10 ईंट कम लगाए, अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो कायदे से इन्हें 19 ईंटें लगानी थी, लेकिन इन्होंने कुछ टाइम वेस्ट किया इधर उधर, तो इन्होंने कुछ ईंटें कम लगाई, कायदा ये कहता था कि इनको लगानी चाहिए थी 19 ईंटें, अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो ये लगता 10 ईंट 19 ईंटें लग जाते, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने दीवार बनाई 5 घंटे में, दीवार अगर 5 घंटे में बनाई दीवार तो 90 ईंट की है, इसका मतलब इन्होंने कितनी ईंटें लगाई, बोले सर 90/5 18 ईंटें लगाई, कायदा कहता था कि 19 ईंटें लगानी चाहिए थी, लेकिन लगाई कितनी आपने ईंटें 18 ईंटें लगाई, तो कितनी ईंटें कम लगाई, कितनी ईंटें कम लगाई, आप लोगों ने सर 1 ईंट कम लगाई प्रति घंटे 19 ईंटें लगानी थी, प्रति घंटे 18 ईंटें आपने लगाई, तो कायदे से आपने मेरे अकॉर्डिंग 1 ईंट कम लगाई, बट क्वेश्चन कह रहे कि 10 ईंट कम लगाई, तो हमारा एक क्वेश्चन के 10 के बराबर, उन्होंने पूछा दीवार में कितनी ईंटें, तो हमारे हिसाब से तो 90 है, और हमारा एक अगर 10 के बराबर है तो हमारा 90 900 के बराबर, दीवार में 900 ईंटें है, अब हो गया सबको क्लियर या अभी भी गड़बड़ है, तो इसे पूछ लो अगर नहीं समझ में आया, एक बार नहीं 50 बार पूछो, मैं लेक्चर ओवर करने जा रहा था, बट तुम सवाल पूछोगे तो लेक्चर चलेगा तब तक चलेगा जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, यहाँ पर पढ़ने का मतलब है कि चीजें सीख के जाओ, है ना, मशीन थोड़ी ना होगी, बस हमने सिखा दी तुमको समझ में आई जाएगा, सिखाना पड़ता है चीजें, अब समझ में आ गया सभी को या अभी भी कोई इशू है, किसे पूछा था ये आदित्य, अभी क्लियर है सभी को, ओके चलो बच्चे फिर देखो आज का लेक्चर ओवर करें और कल हम लोग ये ग्रुप वाले सवालों की प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और जब प्रैक्टिस हो जाएगा फिर उसके बाद में हम लोग आगे, तो आज का लेक्चर फिर ओवर करते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी, है ना, और
तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग क्लास। चलिए अच्छा देखो, एक चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, इनकेस कभी डिले होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, क्लियर है ना। आज जैसे क्लास थी, क्लास ऑलरेडी शेड्यूल करी गई थी 8:30 बजे की, जस्ट मैं अभी अभी आ रहा हूँ, देख के समझ में आ रहा होगा, जस्ट अभी अभी आ रहा हूँ, मुझे पता था थोड़ा लेट हो जाऊंगा, 8:30 बजे की इसलिए क्लास शेड्यूल करी थी, जिस टाइम भी क्लास शेड्यूल करी उस टाइम पर आ जाएगा, ज्यादा वेट मत किया, ठीक है। वेट करने का टाइम किल होता है, वो टाइम किल होना अपने लिए गलत नुकसान है ना, तो वेट नहीं करना है, जो भी होता है इसलिए आपको ऑन द स्पॉट एक नोटिफिकेशन जरूर भेज देते हैं। साथ ही साथ एक बात और कही थी कि इनकेस अगर कभी भी क्लास नहीं होती, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं क्लास ना हो, बट अगर क्लास नहीं होती है तो विद इन 24 आवर्स वो क्लास शेड्यूल करी गई, विद इन 24 आवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज वाली क्लास नहीं होती तो कल शाम की क्लास होने से पहले पहले क्लास होती है, तो कल शाम की क्लास अपने टाइम पे होती है, इन सभी चीजों को लेकर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और नोटिफिकेशन वगैरह इसी टाइम पे आता है। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में बात कर रहे थे, टाइम एंड वर्क में हम लोग ग्रुप वाले क्वेश्चन कर रहे थे, प्रैक्टिस पर पहुंचे, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस मोड पर पहुंचेंगे। तो हमें एक बार ये बता दीजिए, आपके में नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेक्निकल टीम का नंबर आपको दिया गया, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके उनको भी प्रॉब्लम, ठीक है। मैं टेक्निकल चीजें तो नहीं सुधार पाऊंगा ना, अपने साथ में आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ऐसी कंडीशन में नोटिफिकेशन नहीं आता, वो आपकी रस्ते देखिए, ठीक है। तो वहां पर ये चीज देखो, हर एक चीज के सही जगह पर अगर आप बोलोगे तभी चीजें पाएंगे, तो आप वहां पर फोन करके बताओ नंबर इसलिए और नंबर क्यों जाता है ना, क्या सॉफ्टवेयर नंबर देगा, नंबर इसलिए जाता है कि अगर आपको कोई इशू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बच्चों कल कहां पे पहुंच गए थे, कौन से क्वेश्चन पे थे, एक बार मैं वो बता दीजिए, थर्ड स्ट्रीम में हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे ये जरा हम जानना चाहते हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे मुझे याद नहीं है, कल हम लोग कितने क्वेश्चन कर गए थे, जरा मेरी एक हेल्प कर दो कि हम लोग कल कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बस ये जानना चाहते हैं, उसके बाद में हम लोग अपना आगे का सेशन बिल्डिंग करें। 15 हो गए थे कल, ओके, सबसे खुशी की बात है 16 पे पहुंचा, फिर से टॉपिक कंप्लीट होने पे पहुंच चुका है, फिर से इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं। चलो अब इसको जरा देखो, कि दो आदमी और तीन लड़के मिलकर किसी काम को दर्शन करते, इस तरीके क्वेश्चन आपके मुझे पूछा जाता है, चार आदमी उस काम को दर्शन करते हैं, तो देखो कंपैरिजन नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कि एक जगह पर दो आदमी और तीन लड़के लगाए गए, एक जगह पर दो आदमी और तीन लड़के लगाए गए तब वो इस काम को दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में हमें चार आदमी को काम पर लगाया तब भी वो इस काम को दर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि भाई दो आदमी और तीन लड़के बराबर होंगे चार आदमी के, क्योंकि 10-10 दिन टाइम दे रहे हैं, अब दो आदमी तो कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस आप बोलोगे सर दो आदमी बराबर होंगे तीन लड़के, मतलब अगर इन तीन लड़कों के लिए दो आदमी लगाते हैं तो दो और दो चार आदमी हो जाएंगे, ये वाले स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे, तो कंपैरिजन डायरेक्ट हमने कर लिया कि दो आदमी बराबर तीन लड़के, अगर हम इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे आप कहोगे m / b = 3/2, दैट मींस एक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है और एक लड़का 2 यूनिट काम कर रहा है, हमने एफिशिएंसी फाइंड कर, क्लियर। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया एफिशिएंसी फाइंड करने का, मैंने आपको बताया ये वो प्रोसीजर है जिससे आप इस टाइप का कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते, कभी आपको पाएंगे, तो हमने एफिशिएंसी फाइंड कर लिया पहला काम, दूसरा काम है हमारा पूरा काम कितना ये पता, तो अगर हम पूरा काम पता करने की बात करें तो चार आदमी है, एक आदमी अगर तीन यूनिट काम कर रहा है तो चार आदमी तीन चौको 12 यूनिट काम करेंगे, और 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा यहां से 12 × 10 मतलब 120 यूनिट काम हो जाएगा, हमारा पूरा काम हो जाएगा 120 यूनिट। अब इन्होंने अगली बात कर रखी है कि अब हमें ये बताओ, अब रिक्वायर्ड आंसर, थर्ड स्टेप रिक्वायर्ड आंसर क्या है, इसलिए अब ये बताने कि तीन आदमी और तीन लड़के मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो एक आदमी अगर तीन यूनिट काम कर रहे तो तीन आदमी 9 यूनिट काम करेंगे, एक लड़का अगर 2 यूनिट काम करे तो तीन लड़के 6 यूनिट काम करेंगे, 9 और 6 = 15 यूनिट काम एक दिन में हुआ, काम 15 यूनिट हुआ, करना आपको 120 यूनिट है तो कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइडेड बाय 15 आंसर हो जाएगा 8 days, 8 दिन, ऑप्शन सी करेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को भी। अब अगर ग्रुप वाले कोई भी सवाल है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ है, वो तरीका आपको आराम से समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग किसी भी सवाल को डील कर सकते हैं, साथ ही साथ दिमाग में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, जैसे इस सवाल में साफ साफ दिखाई पड़ता है तुरंत हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा, यहां पर एमडीएस लगाकर भी हम लोग पहुंचते, जब दिख रहे तो करिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, चार आदमी और छह औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, चार आदमी छह औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकते, तीन आदमी और सात औरतें किसी काम को 10 दिन कर सकते, भाई यहां पर कंपैरिजन तो फील नहीं हो रहा, कंपैरिजन दिखाई नहीं पड़ रहा, जब नहीं दिखाई पड़ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर एमडीएस लगाएंगे, कैसे M1 D1 H1 ठीक रहेगा, तो M1 पहले कितने मेंबर है आपको, सर चार आदमी है और छह औरतें, चार आदमी और छह औरतें इस काम को 8 दिन में कर, मल्टीप्लाइड में यहां पर नहीं लिख पाएगा पूरे, मैं यहां लिख लेता हूं, चार आदमी और छह औरतें इस काम को 8 दिन में कर, M1 D1। नेक्स्ट क्या बोला है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीन आदमी और सात औरतें इसी काम को 10 दिन में कर, M1 D1 बराबर M2 D2 क्योंकि वर्क तो सेम है, आज की बात क्लियर, क्या हम इसको सॉल्व करके एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, पहला टारगेट तो हमारा एफिशिएंसी फाइंड करने का, कैंसिल करेंगे दूसरे ये 4 बार जाएगा, इसे दूसरे कैंसिल करेंगे 5 बार जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 आदमी प्लस 24 औरतें बराबर होंगे 15 आदमी प्लस 35 औरतें, 15 आदमी को इधर लेकर आएंगे तो एक आदमी बराबर है 24 उधर जाएगा 11 और, एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, दैट मींस एफिशिएंसी कितना हो जाएगी यहां से, तो आपको एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 11:1, मतलब एक आदमी 11 मिनट काम कर रहा है, एक औरत 1 मिनट काम, पहला काम हमारा एफिशिएंसी फाइंड करना, कैसे। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 10 औरतें औरत है और नहीं है, औरत 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेगी, तो भाई पहले से तो हो गया टोटल वर्क तो पता करो कि काम कितना है, काम कितना है भाई, हमें पता है एक आदमी 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहां से अगर हम देखें तो चार आदमी 44 यूनिट काम कर देंगे, चार आदमी 44 यूनिट काम करेंगे और छह औरतें हैं 6 यूनिट काम करेंगी, तो इसका मतलब ये लोग 50 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, और एक दिन में अगर 50 यूनिट काम करें तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आपको पूरा काम हो जाएगा 400 यूनिट, यस ऑफ सेकंड स्टेप हमारा कि पूरा काम कितना होगा 400। दूसरी तरह से फाइंड कर सकते हो कि तीन आदमी 33 यूनिट काम करेंगे, सात औरतें 7 यूनिट काम करेंगे, 47 यूनिट हो गया, एक दिन का काम 10 दिन में 400, पूरा काम हमारा आ गया 400। अब क्या पूछा है, बोलो ये बताओ 10 औरतें कितने दिन में काम करेंगी, भाई एक औरत एक यूनिट काम कर रही है तो 10 औरतें कितना काम करेंगी, 10 यूनिट, अगर 10 यूनिट काम एक दिन में कर रही है तो 400 यूनिट काम कितने दिन में करेंगी, आंसर आ जाएगा 40 दिन में, और यही सवाल ऑप्शन सी, तभी
कोई परेशानी समझते, मेरा काम है एफिशिएंसी पे पहुंचना, बिना एफिशिएंसी के काम नहीं बनेगा। अगर हम अपने टाइम एंड वर्क को स्टार्टिंग से देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले एफिशिएंसी ही फाइंड करना सीखा था, एफिशिएंसी टोटल वर्क, एफिशिएंसी टोटल वर्क, उसके बाद ही तो चीजें कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल। आपकी सीट अपलोड हो चुकी है, टाइम एंड वर्क की सीट मिल गई आप सभी को। अच्छा, बच्चे कह रहे थे सर हमको आंसर की चाहिए, आंसर की चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी सारी आंसर की अपलोड करेंगे, ठीक है, करके हर एक टॉपिक की आंसर की कराई जाएगी, आगे आने वाले सभी टॉपिक की आंसर के साथ परीक्षा भी दिया जाएगा, बट आंसर की भी दी जाएगी। कोई भी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हो, अगर सही है तो हम उसको जरूर बताएंगे, ये चीज आपको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में, 6 व्यक्ति अगर अधिक होते तो काम करने में 10-11 दिन कम लगते। अब काम वही है, घंटों की बात नहीं की, तो मैंने कैसे आपको रेशियो सिखाया, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, भाई पहले 55 दिन लग रहे हैं, अब 11 दिन कम लगते, मतलब अगर दिन की बात करें तो आप कहोगे सर 55 और 11 दिन कम 44, पहले लग रहे थे 55 दिन और अब लग रहे हैं 44 दिन, इसका मतलब दिनों का रेशियो हो जाएगा 5:4। यस, दिनों का रेशियो हो गया 5:4, इसका मतलब आप कहोगे कि मेंबर्स का रेशियो कितना हो जाएगा, सर मेंबर्स का रेशियो होना चाहिए 4:5, मतलब पहले 4 आदमी होने चाहिए बाद में 5, पहले 4 आदमी होने चाहिए बाद में 5 आदमी होने चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से कितने आदमी बढ़ गए, एक आदमी, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने आदमी बढ़ाए गए, बोले सर 6 आदमी और अधिक लगाए गए, तो मेरे हिसाब से अगर एक है तो क्वेश्चन के हिसाब से 6 है, इसका मतलब मेरे हिसाब से अगर 4 है तो क्वेश्चन के हिसाब से 24, मेरे हिसाब से अगर 5 है तो क्वेश्चन के हिसाब से 30। अब क्या पूछा है, स्टार्टिंग में कितने लोग लगाए गए थे, आंसर 24। ये सवाल थोड़ी देर पहले किया, इसका क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी जैसा, एफिशिएंसी फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, तो सर 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 2 आदमी 5 औरतें 5 दिन में पूरा करते हैं, 2 आदमी और 5 औरतें इसे 5 दिन में पूरा करने के आपस में हो जाएंगे बराबर, m1 बराबर m2 कॉल करोगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 आदमी 24 औरतें बराबर 10 आदमी 25 औरतें, 24 अगर उधर जाएगा तो 1 औरत बराबर 10 इधर आएगा, दस इधर आएगा तो बचेगा 8 आदमी, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, एम अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 1:8, मतलब आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है और औरत 8 यूनिट काम कर रहा है, तो ये कभी मत रखना मेंटेलिटी दिमाग में कि भाई अगर आदमी है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी, मैथमेटिक्स है, आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है, कुछ भी हो सकता है, तो भाई आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है औरत 8 यूनिट काम कर रहा है। अब इन्होंने कैसे पूछा आपसे, उसके बारे में बात करते हैं, इन्होंने कैसे पूछा आपसे, इन्होंने आपसे ये पूछा हुआ है, सबसे पहले तो टोटल वर्क फाइंड कर लिया जाए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कहीं पर वैल्यू पुट कर दो, तो अगर एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है, 3 आदमी 3 यूनिट काम करेंगे, प्लस 4 औरतें 8 को 32 यूनिट काम करेंगे, 32 और 3 35 यूनिट काम हो गया एक दिन में, तो 6 दिन में 35 यूनिट 70 या 210 यूनिट, तो पूरा काम निकल के आ जाएगा 210 यूनिट, दूसरा स्टेप कंप्लीट 210 यूनिट। अब काम करवाना है इनको, किससे काम करवाना है, 4 आदमी और 3 औरतें लगे, तो 3 औरतें 24 और 4 आदमी 4 24 से 28 यूनिट काम होगा एक दिन, अगर एक दिन में 28 यूनिट काम हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, बस ये अगर 28 यूनिट काम हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कैंसिल कर दो 14 × 28 14 × 14 = 75, आंसर हो जाएगा 7.5, 7.5 चार दिन और काम कर लेते, 25 आदमी और 15 औरतें 4 दिन और काम कर लेते तो काम हमारा कंप्लीट,
मतलब सिर्फ 4 दिन का काम बाकी है, ठीक है, सिर्फ 4 दिन का काम बाकी है। अच्छा अब 4 दिन का काम बाकी है, इन्होंने क्या बोला कि औरतों ने काम करना कर दिया बंद, और थोड़ी की अब हम काम नहीं करेंगे, औरतों ने काम बंद कर दिया, बचे हुए काम को 25 आदमियों ने 6 दिन किया इस महीने को, यहां पर 25 आदमी 4 दिन काम करते, ठीक है, 15 औरतें भी 4 दिन काम करती, हो जाता। लेकिन दूसरी सिचुएशन है, पहली कंडीशन क्या है कि 25 आदमी 4 दिन काम करेंगे और 15 औरतें 4 दिन काम करेंगे, काम कंप्लीट। दूसरी सिचुएशन है कि 25 आदमी 6 दिन काम करेंगे, मतलब 25 आदमी 4 दिन काम करेंगे और 25 आदमी 2 दिन काम करेंगे। कंपेयर जब किया तो फाइनली हमारे पास आउटपुट ये निकला कि 15 औरतों का 4 दिन का काम बराबर है 25 आदमियों के 2 दिन के काम के, बोलो हां या ना। ये अगर आप दिमाग में कर लेते हो, मतलब कंपैरिजन प्रॉपर्ली दिमाग में बैठ चुका है, यहां पर डायरेक्ट पहुंचे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये लाइन सबको समझ में आई नहीं, बस हमें ये बताओ ये लाइन सबको समझ में आई, यस और नो, रिप्लाई करो, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखने वाली लाइन है, अगर ये लाइन नहीं पकड़ोगे तो सवाल छूट जाएगा। तो इसलिए इस लाइन को समझो, अगर समझ में आई है तो बताओ, नहीं छोड़ो, फिर आगे और देखते हैं, दूसरे तरीके समझते हैं। तो 25 को अगर ए मान ले और 15 को बी मान ले, कमाल है, क्यों नहीं मानोगे, मान लो परमिशन है, ठीक है। अंकित की बात बहुत बढ़िया है, अंकित ने सीधा बोला, सर जी यहां पर 25 आदमी बोल रहे हैं, 15 औरतें बोल रहे हैं, आगे भी सभी औरतें बंद कर दिया काम, 25 आदमी काम कर रहे हैं, लास्ट में 15 औरतों के बारे में पूछ रखा है, क्यों ना हम 25 आदमियों को ए बोल दें और 15 औरतों को बी बोल दें। बहुत बढ़िया सजेशन है, गुड वर्क, कीप इट अप, बहुत बढ़िया चीज है। ए और बी, अब सवाल क्या बन गया, बोले ए और बी 12 दिन में काम को कर रहे हैं, दोनों लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, 8 दिन बाद बी ने काम करना बंद कर दिया और शेष काम ए कर रहे हैं, शेष काम ए ने 6 दिन में पूरा कर लिया। तो ए और बी कंपैरिजन सिखाया, ए और बी वाला कि ए और बी 12 दिन में कर रहे थे 8 दिन काम के, मतलब ए और बी का 4 दिन का काम बाकी है, ए और बी का 4 दिन का काम अभी बाकी है, ठीक है। तो ए और बी के 4 दिन के काम को एक साइड पर था, बोले ए और बी का 4 दिन का काम, और दूसरी साइड पर यह हुआ ए ने किया 6 दिन काम, इसका मतलब यह हो गया कि बी का 4 दिन का काम बराबर है ए के 2 दिन का, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बढ़िया सजेशन था अंकित पाल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको बताते हैं, बाकी आप पॉइंट को भी देख लेंगे, अभी ये लाइन क्लियर हो चुकी। अब यहां से अगर हम देखें अपनी बात को, तो आप दोनों सर ये कैंसिल करेंगे, ये 2 बार जाएगा, 3 बार, ये 5 बार, तो एम अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा 6/5, एक आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है और एक औरत 5 यूनिट काम कर रहा है। अब आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे क्या पूछ रखा है इन्होंने कि भाई आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है और 5 यूनिट काम कर रही है, कितना काम करेंगे, 25 का 150 काम करेंगे, 25 का 150 काम करेंगे, 15 यूनिट, 175 यूनिट काम हुआ, 225 यूनिट काम हुआ एक दिन में, 12 दिन का काम है, और ये काम अब करवाना है 15 महिलाओं से, एक और अगर 5 यूनिट काम करेंगे तो 15 महिलाएं 75 यूनिट काम करेंगी, 75 × 225 = 36, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं अंकित वाली बात पे, जो अंकित ने बोला, अंकित ने बोला सर इसको कर दो ए, अंकित ने बोला सर इसको कर दो ए, ये कर दो बी, गुड, इसके बाद ये ए, बी कितने दिन में काम तो करेगा, बी ने काम करना बंद कर दिया, सवाल कितनी बदल दी सर, इसने क्या सवाल पूरा बदल दिया, बोले सर ए और बी 12 दिन में काम तो कर सकते हैं, दोनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया, 8 दिन के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, बचा हुआ काम ए ने किया 6 दिन में, तो बताओ बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पॉइंट यहां से ये निकला, कंपैरिजन किया, बोले 8 दिन काम कर चुके, तो ए और बी का 4 दिन का काम था, ए और बी का 4 दिन का काम ए ने 6 दिन में किया, अब उन ए और बी के 4 दिन का काम था, उसमें ए ने भी 4 दिन काम किया होगा, बी ने भी 4 दिन काम किया होगा, और ये 6 दिन वाले में ए ने 4 दिन काम किया और ए ने 2 दिन काम किया, दैट मींस आप कहोगे सर बी का 4 दिन का काम बराबर है ए के 2 दिन के काम के, शायद यही बात हम लोगों ने यहां लिखी थी, यस नो, लेकिन ये बात से सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ये एक्स्ट्रा दिमाग है कि अगर हम लोग इस पॉइंट को यूज करते हैं ए और बी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि ये लाइन भी बहुत डायरेक्ट लिखी हमने, बट उससे भी डायरेक्ट ये लाइन है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग है, समझ में आ गया। तो अब क्या यहां से अगर एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो आपको बोलो सर ए रेशियो बी आ जाएगा 2:1, मतलब ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम कर रहा है, ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम कर रहा है, रेशियो एफिशिएंसी आपने फाइंड कर ली, अब बताओ पूरा काम कितना है, बोले सर पूरा काम ये ए और बी मिलकर काम करेंगे 3 यूनिट काम होगा, 3 यूनिट काम होगा 12 दिन में 36 यूनिट काम हो जाएगा, ये सब ए और बी काम कर रहे थे तो 2 यूनिट इसका 1 यूनिट 3 यूनिट हो जाएगा, तो 12 दिन में 36 यूनिट काम हो जाएगा, और ये 36 यूनिट काम बी को करना है जो कि एक एफिशिएंसी के साथ में है, तो 36 यूनिट काम करने में से कितना टाइम लगेगा, आंसर हो जाएगा 36, बेस्ट, ये दिल जीतने वाला तरीका, अंकित गुड मॉर्निंग, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। सवाल को लगाओ, एक फैक्ट्री में काम की राशि में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि कितने प्रतिशत कर्मचारियों की वृद्धि की जाए, जैसे कि काम के लिए नियुक्त नई राशि पूरी हो जाए, नई राशि क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, काम की राशि क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क है, राशि नहीं है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, काम है ना, जो अलग क्वांटिटी में हो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो, है ना, बोले 100 शर्ट बनाना है, अब बोले 50% बढ़ गया, 150 शर्ट बनाना है, ये उसकी बात कर रहे हैं, राशि मतलब पैसे की बात नहीं कर रहे, ये तो ट्रांसलेटर की मेहरबानी है कि वो अमाउंट को राशि ही लिखते हैं, ठीक है। तो एक फैक्ट्री में काम जो है वो 50% बढ़ गया, इन्होंने आपसे पूछा कि कितने परसेंट वर्कर्स बढ़ा दिए जाए जिससे कि जो नई जो अलॉटमेंट आई है, जो नई शिपमेंट आई है वो हम पूरी कर सके, साथ ही साथ बोले कि जो नए कर्मचारी का, यदि नए कर्मचारी की कार्य क्षमता पुराने कर्मचारियों से 25% ज्यादा है, टाइम पे करना है, पुराने कर्मचारियों से 25% काम ज्यादा करेंगे, क्या किया जाए, बोले जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी एफिशिएंसी मान लो 4, कोई प्रॉब्लम किसी को, पहला काम एफिशिएंसी निकालना, मैंने बोला आपको, हमने मान लिया पुराने कर्मचारियों की एफिशिएंसी 4, तो बच्चा नए कर्मचारियों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25% ज्यादा, मतलब इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, पुराने कर्मचारी 4 यूनिट काम करें तो नए वाले 5 यूनिट काम करें, पॉइंट क्लियर। अब सीन क्या है, इन्होंने कहा कि जो पहले काम कर रहे थे 50% काम बढ़ गया, पहले भाई हम 100% काम कर रहे थे, अब हमने 50% काम और बढ़ा लिया, अब हमारे पास ये काम, पहले हमारे पास में 100% काम हो रहा था, अब हमारे पास 50% काम और बढ़ गया है, तो ये चीज आई, इन्होंने कहा कि काम चाहिए टाइम पे, काम चाहिए टाइम पे, क्या बोल रहे हैं, जिससे कि काम के लिए जो भी बनाया गया वो पूरा हो जाए, प्रॉपर टाइम पे पूरा हो जाए, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, तो क्या करना चाहिए,
देखो मैंने एक चीज सिखाई थी, जहां तक चीजें नॉर्मल चली वो नॉर्मल चलने दो, प्रॉब्लम जहां से क्रिएट हुई वहां पर देख लेते हैं। प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम एरिया ये है, ये अगर 50% ना बढ़ता सवाल बनाने की जरूरत नहीं थी। ये 50% बढ़ा जिसकी वजह से हमने नई वैकेंसी निकाली, नए कर्मचारी डाले, नए कर्मचारी ने एक अलग रायता फैलाया, बोले हम तो ज्यादा एफिशिएंट है। तो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट, यहां पर कोई प्रॉब्लम बोले नहीं सर, पहले काम इतना था उसके लिए हमारे पास प्रॉपर कर्मचारी थे, कितने थे सर 4 यूनिट काम कर रहे थे, इसका मतलब 25 कर्मचारी थे, ये सब 4 यूनिट काम कर रहे थे, 100 यूनिट काम था हमारा, 4 यूनिट काम कर रहे थे, इसका मतलब 25 कर्मचारी थे। अब क्या सीन है, बोले सर अब सीन ये है कि अब 50 यूनिट काम बढ़ गया, और ये जो काम बढ़ा है इस बढ़ने वाले काम के लिए हमने कुछ नए बंदे हायर करे जिनकी एफिशिएंसी 5, तो कितने बंदे चाहिए, बोले सर इनके लिए हमें चाहिए 10 बंदे, नए वाले 10 बंदे चाहिए, उनकी एफिशिएंसी 5 होगी, वहां पे 50 यूनिट काम करके चले जाएंगे, सिंपल है। तो भाई पहले 25 लोग थे, 10 की भर्ती करी, कितने लोगों की भर्ती कर दी, 10 पर 10 जो है 25 का कितने परसेंट है, आंसर हो जाएगा 40% है, इस बंदे पर सिर्फ दिमाग लगाने का क्या था, और कुछ था पॉइंट क्लियर हो सभी को, यस और नो, इसको बंद कर दिया, बहुत गर्मी कर रखा यार, जैकेट उतारने का मन कर रहा है, बंद कर, ठीक है। तो कितने कर्मचारी की भर्ती करी थी, 40% की। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते, बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल, बेचारे पर लोड बहुत पड़ रहा है, दिन भर काम चलता है इस पे। चलो अब ये सवाल देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, एक कैंटीन में 280 सैनिकों के खाने के लिए 30 रुपए आता है, पर्याप्त खाना है, 280 सैनिक है इनके 30 दिन के लिए खाना है, ठीक है। कल हम लोगों ने ऐसे बहुत से सवाल लगाए कि 280 सैनिक है इनके लिए 30 दिन का सफिशियंट खाना है, सफिशियंट डाइट है, 21 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चला है, 21 दिन बाद 40 सैनिक और आ गए, 21 दिन तक सब नॉर्मल चला है, 21 दिन पर कोई कैलकुलेशन कोई काम करना है नहीं करना है, 21 दिन बाद 40 सैनिक और आ गए और उनके खाने की क्षमता बाकी के सैनिकों से 30% कम है, 40 मोर सोल्जर्स ज्वाइन विद ईटिंग एफिशिएंसी ऑफ 30% लेस देन अदर्स, जो लोग काम पहले से थे सैनिक उनसे 30% कम खाते हैं, 30% कम खाने का मतलब क्या हो गया, अगर वो 100 रोटी खाते तो ये 70 खाते हैं, गलत हो गया, जीरो, अगर वो 10 रोटी खाते तो ये 7 रोटी खाते हैं, हजम होगी बात, रोटियां भी हजम हो जाएंगी, 30% कम खाते हैं, जब बचा हुआ क्या है, खाना है, बचा हुआ खाते का पैसा पैसा दिखाई देता है, जब बचा हुआ खाना नए ग्रुप के सैनिकों को खाने के लिए कितने रुपये होगा, अब जो लोग बच चुके हैं तो कितने रुपये खाना, याद बंद किया जाए,
एक आदमी तीन होते और चार बच्चे किसी काम को 96 घंटे कर सकते हैं, जबकि दो आदमी और आठ बच्चे काम को 80 घंटे कर सकते हैं, जबकि दो आदमी और तीन होते काम को 120 घंटे पूरा कर सकते हैं, 10 आदमी और पांच होते काम को कितने समय पूरा कर पाएंगे? 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और इस टाइप का सबसे टफ सवाल माना जाता है, इस टाइप का ग्रुप वाले सवालों का सबसे टफ सवाल माना जाता है। कैसे किया जाए? फोकस करना है एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी कैसे भी निकले, एफिशिएंसी कैसे भी निकले, क्या करना चाहिए? ओके, कैसे एफिशिएंसी निकाली जाए? तो देखो यार, एक तो तरीका वही है कि M1D1 लगाएंगे, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2, तब भी ये एक इक्वेशन यहां बनेगी, इक्वेशन यहां बनेगी, फिर एक इक्वेशन यहां बनेगी, इक्वेशन यहां बनेगी, इस तरीके से इक्वेशन बनाते बनाते थोड़ा सा थक जाएंगे। उससे बेटर एक काम कर सकते हैं, क्या काम किया जा सकता है, ट्राई करके देखते हैं। वही चीज आपको बता रहा हूं कि एक आदमी, तीन औरतें और चार बच्चे इस काम को कर रहे हैं 96 दिन। अगली लाइन में आपको बोल रखा है कि दो आदमी और आठ बच्चे इस काम को कर रहे हैं 120 दिन, और फिर कहा है कि दो आदमी और तीन औरतें इस काम को कर रहे हैं 80 दिन। नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करो, एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 480 एलसीएम हो जाएगा आपका, 48 टोटल आ गया, 480 आ गया हमारा एलसीएम। इसका मतलब 96 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक आदमी, तीन औरतें और चार बच्चे मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 120 से डिवाइड करेंगे ये लोग मिलकर 4 मिनट काम कर रहे हैं, और 80 से डिवाइड करेंगे तो ये लोग मिलकर 6। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब यार हमें ये पता करना है किसी भी एक के बारे में वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड किया, हमें बस ये सोचना है कि कैसे फाइंड किया जाए, किसी भी एक के बारे में वैल्यू फाइंड हो जाए तो काम बन जाए हमारा। एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम कर सकते हैं, दो आदमी की जगह ये कर लो, एक आदमी दो से डिवाइड कर दो, चार बच्चे दो यूनिट काम चल जाएगा। अब अगर हम एक काम करें, यहां से तीन औरतें चार बच्चे, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, और उसमें से इक्वेशन 1 को घटा, दो और तीन को जोड़ दो और 1 को घटा दो, इन्हें जोड़ेंगे तो तीन आदमी तीन औरतें चार बच्चे, एक आदमी तीन औरतें चार बच्चे घटाएंगे तो एक साइड पर आ जाएगा कि दो आदमी, एक साइड पर आ जाएगा दो आदमी, और कितना काम कर रहे हैं तो इन्हें जोड़ेंगे 6 दो 8, 8 में से 5 गया 3 मिनट काम कर रहे हैं दो आदमी, अगर 3 मिनट काम कर रहे हैं, अगर दो आदमी 3 मिनट काम कर रहे हैं तो यहीं से तो हमारा काम बन गया। दो आदमी अगर 3 मिनट काम कर रहे हैं तो दो आदमी 3 मिनट काम करेंगे, दैट मींस तीन औरतें भी 3 मिनट काम करेंगे। क्लियर? अच्छा, बच्चों के बारे में तो पूछ ही नहीं है, बच्चों के बारे में पूछा ही नहीं है, काम तो हमारा यही से बन चुका है। ये चीज क्लियर हुई, सॉल्व करना। अब अगर सॉल्व करना क्लियर हो चुका है तो मुझे लगता है सवाल में कुछ बचा है। एक आदमी, दो आदमी कर रहे 3 मिनट काम, ठीक है, तो पूरा काम कितना होगा सर? 480। दो आदमी अगर 3 मिनट काम कर रहे तो 10 आदमी 15 यूनिट काम करेंगे, तीन औरतें 3 मिनट काम करेंगे तो 5 औरतें 5 यूनिट काम करेंगी, तो मिलकर 20 यूनिट काम किया, और 20 यूनिट काम कर रहे 480 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 10 आदमी और 5 औरतें, सॉरी पूरा गलत खेल गया मैं, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग नहीं है, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन अलग है, मैंने कुछ अलग कर दिया, कितने मजदूर लगे? 100 मजदूर लगे।
नौ मजदूर ने कितने दिन काम किया सर? 16 दिन का। कितना काम किया सर? 1 यूनिट काम किया। तब जब हम पूरा काम मान लेते 7 यूनिट, अगर पूरा काम 7 यूनिट मान लेते तो 1 यूनिट काम हुआ, 1 यूनिट सर्विस, करेक्ट। एक सिनेरियो है, बोले अब क्या करना सर? अब एक्स मजदूरों ने काम किया, कितने दिन काम किया सर? 16 दिन तो हो चुके, टाइम पे काम चाहिए, कार्य को समय पर पूरा करना है। 96 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 16 दिन हो चुके, मतलब एक्स लोग 80 दिन काम करेंगे और 80 दिन में बचा हुआ 7 यूनिट काम था, 1 यूनिट बचा हुआ पूरा काम। एक्स की वैल्यू फाइंड करना, कैलकुलेट करेंगे, यहां से कुछ कटा है क्या? कैंसिल कर दो 16 5 6 80, 5 से कैंसिल करो 20 बार, दैट मींस एक्स बराबर 20 का 120। मतलब पहले 100 लोग काम कर रहे थे, अब हमें 120 लोग काम पर लगा दिया। तो इन्होंने पूछा कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत है? सर 20 अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत है। कितने एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए? 20 एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, ठीक है। चलो अब एक सवाल और, सुबह किसने, सुबह ने शायद पूछा था या अंकित ने पूछा था, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 इस सवाल को कैसे करना रहेगा, इसको देखते हैं। एक फैक्ट्री में काम की राशि, इस सवाल को हिंदी में मत पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में उन्होंने लैंग्वेज की ऐसी सत्यानाश करी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सब पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%, काम जो है वो 50% बढ़ गया। मतलब पहले आप जितना भी काम कर रहे थे अब वो 50% बढ़ गया। सपोज कर लेते हैं कि पहले 20 यूनिट काम था, 50% बढ़ गया, मतलब बोले सर अब 10 यूनिट काम और करो। पहले 20 यूनिट काम था, अब 10 यूनिट काम और करवाना है, 50% बढ़ गया। फिर इन्होंने क्या बोला कि नए कर्मचारी लगाने पड़ेंगे और काम चाहिए हमें टाइम पे पूरा। तो नया काम जो बढ़ गया है, जो काम बढ़ गया है, हमें बस इसका सोल्यूशन देखना है, प्रॉब्लम एरिया है। तो नए कर्मचारी हमने लगाए, नए कर्मचारी कैसे थे? बोले सर इनकी जो कार्य क्षमता है ये पुराने वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता से 25% ज्यादा है। तो 25% 1 मिनट 4 होता है, तो अगर पुराने वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता अगर 4 मान लेते हैं तो नए कर्मचारी की कार्य क्षमता 25% ज्यादा 5 रहेगी। ये 4 मिनट काम करेंगे, ये 5 मिनट काम करेंगे। टाइम चाहिए हमें उसी दिन में काम चाहिए, मतलब एक ही दिन में काम करो, जो भी पर्टिकुलर टाइम उतने दिन में काम चाहिए। तो 20 मिनट काम था वो हमारा ये पुराने कर्मचारी 4 यूनिट वाले कर रहे थे। तो कितने हमने वर्कर्स लगा रखे थे अपनी फैक्ट्री में? आपको सर 5 वर्कर्स लगा थे, 4 यूनिट काम कर रहे थे, 5 वर्कर्स थे, 4 × 20 काम हंसी खुशी पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि 10% काम बढ़िया, उसके लिए हमने नए बंदे रख लिए, हमने पुराने वाले को डिस्टर्ब नहीं किया। नए बंदे रख लिए, नए बंदे की जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट काम करने की। काम 10 यूनिट करवाने, 5 यूनिट एफिशिएंसी, मतलब 2 बंदे हमें रखने होंगे नए वाले। ये सुनो, पहले 5 थे अब 2 बंदे रखने होंगे, तो कितने परसेंट कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी? बोले 2 की करिए, 5 पे 40% कर्मचारियों की नियुक्ति कर, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे आपके ग्रुपिंग पे, उम्मीद करते हैं 20 नंबर में बताना है। चलो 20 में देखते हैं, 20 नंबर देखते, अच्छे से बताया, इवन अंकित का सजेशन भी इतना बढ़िया है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम? चलो मैं सवाल को थोड़ा सा करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करते हैं, पूरा बात है ना, सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मैं अंकित वाला ही सवाल बना रहा हूँ, वो समझाने का सबसे प्यारा तरीका यही है, थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूर दिखानी पड़ेगी इसमें, लेकिन काम तुम्हारा बन जाएगा। और ये सवाल जितना तुम्हें टफ लग रहा है ना, ये इतना ही सरल लगे, हो गया सब कुछ कंप्लीट फिट। चलो अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ काम, हमने कर लिया, हमने मान लिया कि जो 25 आदमी है उसको हम प्रेजेंट करेंगे ए से, और जो 15 औरतें हैं उनको हम प्रेजेंट करेंगे बी से। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप कहोगे सर ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 8 दिन के बाद सभी महिलाएं, महिलाएं मतलब बी ने काम करना बंद कर दिया, शेष कार्य को ए 6 दिन में पूरा कर लेता है। अगर केवल बी को काम पर लगाया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपका क्वेश्चन। आई थिंक अब ये हरकत अच्छी लगी होगी आपको, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर, बोले सर ए और बी जो था, ए और बी 12 दिन में काम कर रहे थे, 8 दिन कर चुके, मतलब ए और बी के लिए 4 दिन का काम बाकी था। मतलब इस कंडीशन में ये था कि ए भी 4 दिन काम करता प्लस बी को भी 4 दिन काम करना, ये हमारी पहली कंडीशन थी। बट हुआ क्या, बोले बी ने काम करना बंद कर दिया तो ए को 6 दिन काम करना पड़ा। तो दूसरी कंडीशन ये बनी कि ए ने 6 दिन कैसे काम किया, ए ने 4 दिन काम किया प्लस ए ने 2 दिन और काम किया, ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि बी जो काम 4 दिन में कर रहा है वही काम ए 2 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की 2 रेशियो का। मतलब ए अगर 2 मिनट काम कर रहे हैं तो बी 1 मिनट काम कर रहा है, इन्होंने कहा ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अभी मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे, 12 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 36 यूनिट काम कंप्लीट होगा। और ये 36 यूनिट काम करना किसे, बोले सर बी को करना है, बी की एफिशिएंसी है 1, तो बी को टाइम लगेगा, 36 दिन टाइम लग जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन डी है। किसने पूछा था ये सवाल, आदित्य क्लियर हो गया बच्चा? और कोई सवाल आपको पूछा है? देखो एक चीज समझो, जितने बार आप पूछोगे सवाल, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है हमें पता लग जाता है कि आप सवाल रियल में पूछ रहे हैं या मकारी, और इतना हमें बड़ी खुशी रहती है हमारे पास जो भी बच्चे रहते हैं सबके सब पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मकारी नाम का कोई शब्द नहीं होता है। तो सवाल जब आपको समझ में नहीं आएगा, जितने बार पूछोगे हम फिर कोशिश करेंगे और इसको अच्छे तरीके समझे, मतलब कि आपके दिमाग में कुछ आएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो और क्रिएटिविटी आएगी। इवन अगर अभी भी सवाल नहीं आया समझ में आपको, तो शायद मैं इसमें और भी कुछ कर सकता, लेकिन तब तक करता रहूंगा जब तक दिमाग में बात बैठ ना जाए। अभी अच्छा ये बताओ सभी को समझ में आ गया, और कोई भी ऐसा सवाल है जो किसी को समझ में ना आया? शेखर भी बढ़िया बात लेके आए, शेखर ऐसे बोल रहे हैं कि सर ए और बी का 4 दिन का काम एक कर रहे 6 दिन में, तो ए और बी पूरा काम कर रहे 12 दिन में, तो एक करेगा 8 दिन में, तब भी लगा दोगे एलसीएम 36, ए और बी 3 यूनिट काम कर रहे, 2 यूनिट काम कर रहे, चीजें दी जाएंगी, तो मतलब 1 यूनिट काम करेगा डिवाइडेड बाय, वैसे कर सकते सब चीजें किया किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर काम करते बच्चा, आज की क्लास में थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रहे हैं ना, क्योंकि बॉडी मेरी कुछ ज्यादा पेन कर रही है, हमें पता था कि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो मेरा, इसलिए मैंने लेक्चर लिया, अदरवाइज आज मैं छुट्टी मार लेता, व्यास का कुछ ज्यादा है। तो आज हम लोग लेक्चर ओवर कर रहे हैं, कल हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे और जो टफ टाइप है उस पर डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग प्रैक्टिस पर पहुंच चुके होंगे। डायमंड वर्क की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस सीट आपको दे दी गई, आप लोग सीट डाउनलोड करके सॉल्व करना शुरू करो। डायमंड वर्क की सीट 1 और सीट 2 दोनों अपलोड हो चुकी है, आप लोग सीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू करो, कल आप